फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख पाओगे आज का जो मोल होने वाला है। बेसिकली जो ऑटोमोबाइल की जो पार्ट होता है होंडा एक्टिवा का, तो उसकी जो है आज हम मोल डिजाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली इस मोल पे मैं आपको कंप्लीट केस बनाऊंगा, किस तरीके से इसकी मोल डिजाइन वगैरह आपको बनाना है। इंसर्ट में बनाऊंगा और यह फैमिली मोल्ड है। आप यहाँ पे देख पाओगे एक कॉम्पोनेंट जो है बड़ा है, अलग साइज में है, दूसरा कॉम्पोनेंट अलग है। तो देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट, तो इसकी जो है आज हम कंप्लीट कोर के बीच ही डिजाइन करने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट केस में कराऊंगा इसकी फैमिली मोल का। तो यहाँ पे देख पाओगे इसकी जो गेट है अलग होगा, इसका गेट जो है अलग होगा, क्योंकि दोनों कॉम्पोनेंट की आपकी जो वेट आएगा अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो चीज होंगे यहाँ पे, जो हम गेट यूज करेंगे, मैं बेसिकली यहाँ पे टैप गेट यूज करूंगा या फैन गेट यूज करूंगा, कैसे गेट यूज करूंगा, क्या कैलकुलेशन होता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आने वाला है। और यहाँ पे देखिए पार्टिंग देख पा रहे हो मेरा, अगर मैं आपको कंपोनेंट दिखा दूँ तो कंपोनेंट में देख पा रहे हो किस तरीके से मेरा यहाँ पे पार्टिंग है, कंपोनेंट किस तरीके से है। तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, हर एक प्रोफाइल आपका अलग अलग प्रोफाइल है। तो अलग अलग टाइप की प्रोफाइल में किस तरीके से आप पार्टिंग वगैरह बना सकते हो, तो सारा चीजें मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में साथ में बात करूंगा मेरा किस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है और कहाँ का किस तरीके से मैं काम वगैरह करते रहता हूँ, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ चीजें हैं। पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। अगर इसकी आपकी पूरा फाइल चाहिए दोनों, अगर आपको मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करके आपको बनाना है, तो वहां पे मैं लिंक दे रखा हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देख लेना है, क्योंकि एक एक स्टेप बना रखा हूँ, एक एक चीजें मैं बात कर रखा हूँ। कहीं पे कुछ सरफेस अगर गलत होता है तो इसको किस तरीके से ठीक करना है, क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, सारा चीजें बता रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका कोई भी एक कंपोनेंट देखना है, तो सबसे पहले मैं किस कंपोनेंट को बनाऊंगा, तो मैं ले लेता हूँ ये वाला कंपोनेंट, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ सबसे पहला जो है। तो इसको मैं अभी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट मेरा ऑलरेडी अलाइंड है, इसके ऊपर मैं कैसे अलाइन करना है ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मेरा कंपोनेंट है। सबसे पहले हम कंपोनेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, आपके कंपोनेंट है कैसा, ठीक है। बहुत टिपिकल कंपोनेंट है, होंडा एक्टिवा है, ठीक है। आप देखा होगा एक्टिवा का जो आगे रखता है ये वाला कंपोनेंट है। तो सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट मिलती है ना, उस कंपोनेंट को हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एनालाइज करने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले जाके मैंने, वैसे आप लोग को समझने में ईजी होगा, मैंने अपना रोल भी हटा दिया है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ। और यहाँ पे मैं फैक्टर ले लूंगा, लेने के बाद मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने में मुझे ये पता लगेगा कि मेरा कोर वाला पोर्शन कहाँ पे है और मेरा कैविटी वाला पोर्शन कहाँ पे है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम रीजन चेक कर लेंगे कौन सा रीजन कहाँ पे आने वाला है। तो मैं इधर पे जाने की बात, यहाँ पे जाके इसको क्या कर दूंगा, सेट रीजन कलर कर दूंगा। तो आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे रीजन कलर हो रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा है जिसमें आइडर, या फिर देखो क्या देख रहा है, क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया ऐसा है इधर ये कोर पे आएगा या कैविटी में आएगा, ये सॉफ्टवेयर जो है कंफ्यूज में है। तो अभी के लिए इसको जो है मैं यहाँ पे ऊपर से देखता हूँ ना, तो आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये कलर देख रहे हो। तो कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे कैविटी में है और कुछ पोर्शन कोर में है। इसको हम हाईलाइट करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले मैं ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं अभी के लिए कोर पे ले लूंगा, चलो मैं कैविटी में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एनालिस हो गया 0-0, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरा कंपोनेंट क्या है, मिरर है। तो कंपोनेंट को मैं यहाँ पे पहले मैं श्रिंकेज डालूंगा बोर्ड कंपोनेंट पे, ठीक है। तो बोर्ड कंपोनेंट में मैं श्रिंकेज डालूंगा। श्रिंकेज कभी जैसे फैमिली मोल बनाते हो तो सभी को एक साथ बना लेना, कभी कभी क्या होता है हिस्ट्री में जब आप श्रिंकेज चेंज करने जाते हो तो कुछ आपका स्केल बॉडी अलग होता है, कहीं पे स्केल बॉडी कहीं और होता है, तो बाद में वो चीजें दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक साथ ही करना है। तो मैं यहाँ पे एवीएस का डालता हूँ, ठीक है। एबीएस का ही बनता है मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल पार्ट, एबीएस पीपी बहुत ज्यादा यूज होता है, पॉम भी यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल की प्रॉपर्टी कैसा होता है, उसके हिसाब से हम चूज कर दे। क्योंकि यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, श्रिंकेज वगैरह मैंने डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे मेरा कॉम्पोनेंट को मेरा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रिम करूंगा, कोई भी एक पर्सन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे जाकर कॉम्पोनेंट को ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर से इसको ट्रिम कर दिया, क्योंकि मुझे मिरर कंपोनेंट है तो मुझे एक ही पर्सन बनाना है। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टिंग की प्रॉब्लम था, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे आईएसओ इनक्लाइंट में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएंगे यूट्यूब में, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंपनी लेवल का है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो देखो यहाँ पे जो पर्सन है इस लाइन पे, ये ऊपर वाला पर्सन किस में जाएंगे, केवीटी में जाएंगे, और नीचे वाला पर्सन कोर पे जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया है।
अब दोस्तों आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इस जो फेस है इस फेस को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन को हम स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हम जो यहाँ पे जैसे आप स्प्लिट फेस कमांड आता है, ठीक है, तो आप स्प्लिट फेस कमांड यहाँ का आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूंगा, आपको फेस सिलेक्ट करना है जितना भी आपका फेस है जहां जहां ये कर्व आइडेंटिफाई हो रहा है, तो वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम इसको क्या करेंगे, कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फीचर्स का आप लोगे तो एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान से इसको एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ वैसे वैसे आपको कट करके जाना है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, अगर आपको फाइल भी चाहिए मेरे, फाइल भी यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैं बहुत सारा फाइल वगैरह मैं शेयर करता था, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, कोई बंदे होता है वहां पे चुरा लेता है, चुराने के बाद वो फाइल से दूसरे बंदे को सिखाने लग जाता है, इसीलिए मैं फाइल का जो है लिंक जो है आजकल जब आप एक्सेस करते हो वहां पे परमिशन मांगते हो, तो इसीलिए मैं परमिशन रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फाइल से जाके कोई और सिखा रहा है तो वो चीजें गलत लगता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला पर्सन आपका हो गया, स्प्लिट हो गया। अब ये जो आपका कर्व है, इस कर्व को हम यहाँ पे हाइड कर देंगे, ठीक है, जो आपको आईसो इंक्लाइन कर्व था इस कर्व को हम सिलेक्ट करके मैं यहाँ 100 लेयर पे डाल दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एल करके यहाँ पे कैटेगरी को ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, ऑल लेयर की जगह मैं ओनली ऑब्जेक्ट वाला लेयर कर लूंगा, इसको हाइट को हाइट कर लूंगा। तो ये जो मेरा कर्व था, अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फेस को देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहले क्या करते हो, प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हो ना। तो कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनहेरिट में जाके इनकी कलर सेम कर लेंगे। तो मुझे ये पता लग गया ये वाला पर्सन आपकी कोर पे आएगा, ये वाला पर्सन आपकी केबीटी में आएगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें बात करने का ये है, जैसे यहाँ पे मेरा सार बेस बनेगा तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएंगी, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक तरीके से जाके मैं ब्रिज कार्व का यूज करूंगा। देखो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें बता रहा हूँ, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। लोग आपको पागल बनाएंगे कि ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, जब एक्चुअली करने जाते हो बहुत चीजें आती है। तो ध्यान से सुनो कि मैं कैसे कराने जा रहा हूँ, इसको मैं सिंगल फेस ले लूँ, टेंशन की जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1:1 रखना है आपको, क्लियर। देखो ये जो पॉइंट है, राइट क्लिक करके G1 हो जाना चाहिए, इन्फर्ट G1 होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और यहाँ पे रेडियस जो है, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है 1:1 रखा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड जो है आपको सेम रखना है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से लाऊंगा। अगेन मैं इधर आता हूँ, इसको इधर आने से पहले मैं ये वाला काम खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा एक्सट्रूड में, जाने के बाद यहाँ पे इसको ऑन कर लूंगा मैं, क्लियर। देखो यहाँ पे ये ऑन कर लिया, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या सिंगल लेके और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, और ये जो डायरेक्शन है इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेक्टर डायरेक्शन में बनाना है, वेक्टर डायरेक्शन से बनाने से फायदा होता है आपको। फायदा ये होगा कि जब भी आप कोई चीज अगर वेक्टर डायरेक्शन से बनाते हो ना, तो वो चीजें क्या होता है, मशीनिंग में ईजी हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कहीं पे, वैसे तो मैंने तो सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डाउन चाहिए, बेसिकली एरर्स आता है कभी कभी आपको सॉफ्टवेयर में। तो इस वाली ऑब्जेक्ट को आपको कैसे ठीक करना है, इसके लिए भी आपके पास इलाज है, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जो जो तरीका सिखा रहा हूँ। वैसे मैं ऐसे प्रैक्टिकल क्लासेस में सिखाता हूँ जो मेरा क्लासेस चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए अलग से क्लास लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इन दोनों के बीच में मैं ट्रू कप लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेव करा था, तो इनको भी सेव कर लेना है आपको, ठीक है। सेव करने के बाद इन वाली ऑब्जेक्ट को भी आपको डिलीट कर देना है। मैं वीडियो हल्का सा लंबा होंगे, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट करा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान से सुनना एक एक चीजें, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको फाइल चाहिए मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आजकल बहुत चीजें है ना फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि कहीं पे मेरा फाइल लेके कहीं पे कोई बना के सिखा रहा है, कहीं पे कुछ चीजें लोग गलत यूज कर रहा है, तो वो चीजें गलत लगता है, इसीलिए जो है मैं परमिशन का करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, इसकी डायरेक्शन दे देंगे लाइक इस डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये आपको ये भी देखना है, मैं इसकी डायरेक्शन लूंगा कि इसकी डायरेक्शन लूंगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अगर मान लो मैं इसकी डायरेक्शन नहीं लेके इसकी डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये ऊपर आ गए, ये नीचे आ गए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सर्फेस को मिलाने में मुझे मशीनिंग ज्यादा करना पड़ेगा, इस एरिया में मशीनिंग ज्यादा करना पड़ेगा,
तो मैं इस वाला एज को नहीं लूंगा, ये वाला एज को दूंगा, ठीक है। सॉरी, ये कार को लेना है आपको, ये कार को लेना है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब देखो दोनों अप्रोक्सीमेटली मैच अप है। अब ये जो आपकी कर्व है, इस कर्व को हमें मिलाना है। इस कर्व को मिलाने के लिए देखो, मैं जो ऑफसेट सरफेस है वो लास्ट में करूंगा। सबसे पहले आपको किस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपको करना है, वो अप्रोच देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने की बार हम इनको ले लेंगे, डन, 1:1 लेना है आपको। अगेन जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे ट्रू कर्व मैच का यूज कर लेंगे। ट्रू कर्व मैच में हम एक ए सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, और ये जो मेरा कर्व था इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके सरफेस में आपका कमान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा एक तरीके से बन गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हल्का सा ये चीजें आ रहा है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे नहीं बना रहा हूँ, अगर मान के चलो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं बाद में हटा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक कोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस तरीके से बन गया। अब मान लो आप उसको बनाने जाओगे तो आप क्या कर दोगे, इसको स्वीप कर दोगे लाइक दिस। यहाँ पे सिलेक्ट करा आपने और यहाँ पे आपने स्वीप कर दिया। जनरली आप इस तरीके से बनाने जाओगे तो, लेकिन इस तरीके से बनाने से आपको देखो ना इस तरीके से बन गया, ये सही नहीं है ना। तो आप बताओ कौन सा वाला सही है, मेरा तरीका सही है या आपका वाला तरीका सही है। यहाँ पे देखो, देखो कितना लाइन्स दिख रही है, वो चीजें गलत है, वो सही नहीं बनेगा। तो आपको ये वाला इस तरीके से अप्रोच आपको लेना है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे एक सजा आपको देखोगे ध्यान से, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब आप देखोगे, देखो यहाँ पे हल्का सा जो है नोज टाइप का आ रहा है, इसको अगर आपको ठीक करना है ना, इसका भी आप इलाज कर सकते हो, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ तक ठीक है, मैं इसको अलग से करना चाहता हूँ, तो वो वाला पर्सन भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। मैं जितना टाइम दूंगा ना मेरा पार्टिंग उतना बढ़िया बनते जाएगा, मैं जितना टाइम दूंगा ना मेरा पार्टिंग उतना अच्छा बन जाएगा। जैसे ये पॉइंट को मैं इधर ले आता हूँ हल्का, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन मुझे सही लग रहा है, इस वाले पोर्शन को मैं काट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ट्रिम कर देते हैं, डन। यहाँ पे जैसे ये लाइन दिख रहे हो, अपडेट डिस्प्ले कर दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आपका जो कर्व है, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व को हम हटा देते हैं, इस कर्व को हम हटा देते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे जो सरफेस है ये डाउन होके बन के आ रहा है, और आपका जो कर्व है स्ट्रेट होके आ रहा है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है ये। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो सरफेस है इसको मैं हटा देता हूँ, इस कर्व को हटा देता हूँ। इंगेन इसके और अगर इम्प्रूव करना है ना, और मैं काम कर सकता हूँ, जितना मैं काम करूंगा मैं और इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ। बहुत तरीका है दोस्त, बहुत तरीका है आपको करने के लिए। तो अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रू कर्व में। अब देखो आप पहले से और अच्छा हो जाएगा आपका, सिलेक्ट कर लिया आपको यहाँ पे, अगेन इस कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फिर ये वाला सरफेस, फिर आपका ये वाला सरफेस। तो देखो पहले से और बेटर है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हमने इसको ठीक करा। अब मैं इसको सेव कर दूंगा ना, यूनिट कर दूंगा, तो और बेटर बन के आएगा, ठीक है। पार्टिंग अगर आपको और चाहिए और सही करना चाहते हो, तो ये ब्रिज जो है ना, इसको आप और काम कर सकती हो। मतलब मैं, मेरा जो ब्रिज है इसको मैं और ऊपर ले जाऊँ ना, और मेरा बेटर हो जाएगा, मतलब और अच्छा हो जाएगा मेरा। अगर मान लो मैं इसको कम करूँगा, लेट्स से 0.5 के आसपास कर देता हूँ, तो इससे भी मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन जितना ज़्यादा ऊपर लूँगा ना, तो पार्टिंग जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, वो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है 90 मशीनिंग हो जाएगा। इसके लिए क्या इलाज करना है वो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। देखो और बेहतर कर सकते हो, अब अपडेट कर दूंगा, देखो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये पहले से बेटर है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन मेरा नेक्स्ट पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन होता है, इसकी भी हम बनाएंगे। तो पहले पहले ये वाला चीजें बना लेते हैं, जो मेरा ये पोर्शन है, बहुत सीखने को मिलेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेंगे, पैसा भी खर्चा करोगे तो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या बना रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ। एक्सट्रूड, फिर मैं ये मेन पोर्शन वाला ले रहा हूँ, एक्सट्रूड, फिर मेन पोर्शन ले रहा हूँ दोस्त, ठीक है। एक्सट्रूड ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतना चीजें तो आपका आएंगे आएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर ये वाला ले लूँगा। आप बोलोगे बीच में सर गैप, मान लो बीच में मेरा पास गैप है, ज्वाइन नहीं होगा, उसका भी इलाज है, वो बाद में आपको मैं ठीक करके दूंगा। देखो जैसे यहाँ पे हल्का सा ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, अपडेट करके दिखा देता हूँ मैं, देखो और थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा मैं, लास्ट में बताऊंगा एकदम, ठीक है।
तो आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ तक देख लिया ना, अब मेन चीजें आपको यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखो गैप है, उस गैप के केस में आपको क्या करना है सारा चीजें बताऊंगा, लास्ट तक देखते जाओ आप मेरे साथ। अगर वीडियो को पॉज करके देखो, अगर एक साइड में वीडियो को चला लो, दूसरे साइड में प्रैक्टिस करते रहो आप भी, तो आप भी बहुत बढ़िया डिजाइनर बन सकते हो। मान लो कैसे बनाना, एक साइड में वीडियो को ले लेना, इसको ऐसे क्लिक कर लेना, ठीक है, इसको ऐसे क्लिक कर लेना, इधर पे ले आना, साथ में आपका वाला फाइल ओपन कर देना, ये वीडियो हो गया, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके इसको बना भी सकते हो। इस तरीके से बनाओ, ठीक है, वीडियो को पूरा देख देख के। कहीं पे प्रॉब्लम है मैं आपके साथ हूँ, कैसा भी दिक्कत होगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे चार बैच है, तो इसको मैं अगर पार्टिंग बनाऊंगा तो ये गलत बन जाएगा आपका। बहुत बंदा है आजकल एक वीडियो डालने के बाद अपने आप को यूट्यूबर बोलने लग जाता है, ऐसा नहीं है, या सिखाने लग जाता है किसी को। अब ये ऐसे पार्टिंग बनाएगा तो ये बेकार पार्टिंग है मेरे दोस्त, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं डिजाइन पे, डिजाइनर रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ऐसे पार्टिंग एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कोई पार्टिंग नहीं है, ऐसे कोई बेकार लोग बनाते हैं पार्टिंग, एकदम बेकार लोग बनाते हैं इस तरीके से पार्टिंग, यहाँ और एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हल्का सा इसको मैं राउंड घुमाऊंगा, ठीक है, देखो किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रिज जाना है, ब्रिज जाने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला फेस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला फेस ले लूंगा, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ ले जाऊंगा, आगे के डायरेक्शन में ले जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड देख पा रहे हो 1:1 है, ठीक है। अगर आपको लगता है इसको हम कम सेंस करें तो यहाँ पे आप 0.5 मार के या कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इतना ही रखूंगा मेरे दोस्त। तो यहाँ इनके बाद ये जो सरफेस है यहाँ पे इसको मैं ट्रिम करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अगेन ट्रिम वाली में, ट्रिम में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब ये वेक्टर कौन सा लेना है आपको, ये वाला वेक्टर ले लेना, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर के साथ हम अगर ट्रिम कर देंगे तो किस तरीके से बन के आएगा। अब जाने की बात, आपको यहाँ पे जाना है, फिर इधर पे जाना है। मैं सीधे गलती करके भी आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो गलती होगा आपका, ऐसा भी सिखा रहा हूँ, कौन इतना तरीके से बताता है लोगों को। आजकल हर बंदे ना पैसा कमाने के लिए बैठ रहा है, कैसे भी आए पैसा आ जाए, मुझे सब पता है कौन कैसे पैसा कमा रहा है, कौन कैसे वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन सब चीज़ें सही होना चाहिए, जो चीज़ें कर रहे हो आपका काम आना चाहिए, राइट। गलत तरीके से हमें गाइड भी नहीं करना है, लोगों को पैसा भी नहीं कमाना है। अब देखो ये कितना बढ़िया है पार्टिंग, जी देख रहे हो इस तरीके से बन जा रहा है। अब यहाँ पे जो हल्का सा ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो होगा 90 मशीनिंग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। देखो पार्टिंग कितना बढ़िया बना दिया मैंने, आपको पहला पार्टिंग कैसा था, देखो ये वाला पोर्शन काट हो जाएगा। इसका इलाज क्या है, मतलब इसको क्या इलाज करोगे, वो इलाज मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। ये एज जो होगा ना, ये माइक्रॉन्स में चेंज हो जाएगा आपको, 0.2, 0.1, मतलब 100 माइक्रॉन या आपकी 70 माइक्रॉन पे चेंज हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। और जो भी प्रोडक्ट डिजाइनर करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है काम करना पड़ता है। जैसे कि हीरो की पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में हीरो का पार्ट है, बट यहाँ पे हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कर रखा है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें तो चेंज होगा ही ना, वैसे चीज़ें होता है। और यहाँ पे फिर अगेन जाने के बाद हम क्या कर लेंगे, देखो इसको करने से पहले हम सब कुछ सेव कर लेंगे, मजा आ रहा है ना। कहीं पे कुछ चीज़ें समझ ना आए, दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकते हो आप, क्लियर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सेव कर रखा हूँ, अब मैं इसको टेंजेन लूंगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 करूंगा, डन हो गया। अब हम इसको हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर दिया हमने। अब देखो ये मेरा बन गया। अब दोस्तों देखो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको कलर चेंज कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, मैं इसीलिए कलर यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो ए सरफेस है वो अलग रहेगा और जो नीचे का बी सरफेस होगा या जो पार्टिंग सरफेस होगा इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक ये निकल के आया, यहाँ पे टच नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे इसको, मैंने आपको जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे। अब मान लो कोई सरफेस में दिक्कत है तो इसको ठीक कैसे करना है आपको, उसका भी इलाज है रोज, एक एक चीज़ें बताऊंगा, कहाँ पे सरफेस में प्रॉब्लम आएगा तो कैसे काम करोगे आप, सब बताऊंगा सब, आप टेंशन ही ना लो। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ और जिस हिसाब से आप सीख रहे हो तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ये इसको हटा दो आप, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, ये ठीक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक रहने दो अभी, इतना को नहीं कर दिया। अगेन यहाँ पे हमने कुछ तीन पास करा था, है ना, तो तीन पास करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना होगा,
तो ये सरफेस है, इसे हम एक्सटेंड कर देंगे इस सरफेस को, ये सरफेस को नहीं, ये वाला सब कुछ था चेंज। तो कर्व है, कर्व को हटा दो, अभी कर्व का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कर्व जो है कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, 100 कर दिया मैंने, हाँ मेरा ये रहा सरफेस, ठीक है मैम कर दो, जितना आ सकता है बेस्ट, 1 mm सफिशियंट है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करना जा रहा हूँ, यहाँ पे जाऊंगा मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड, इसको सिलेक्ट करूंगा लाइक, इसको सिलेक्ट करूंगा सीधा। अब देखो इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देना है आपको, और इनको भी रिवर्स डायरेक्शन कर देना है, और इनको रिवर्स डायरेक्शन कर देना है आपको। तो आपका सीजे बन गया है दोस्त, ठीक है। अब ये जो कर्व है इनको हाइड कर देते हम, इतना जल्दी बनाऊंगा ना ऐसे सीजे, लोग कितना टाइम लगाएगा, मैं इतना जल्दी बना लूंगा। अब ये एक्चुअल में मेरे पास सीयू हुआ है या एक्चुअल में सीयू नहीं हुआ है कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको जाना है एनालिसिस में, जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एग्जामिन ज्योमेट्री में, जाने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ये सारा चीजें ऑन कर लेना है, ओके कर देना है। जैसे जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ वैसे वैसे ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। आप मुझे बताओ मेरा पार्टिंग में कहीं पे आप रेड देख रहे हो, कहीं पे ओपनिंग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो ना, ये होता है क्वालिटी। इस तरीके से आपको पार्टिंग बनाना पड़ेगा, इस तरीके से इस क्वालिटी में पार्टिंग बनाओगे ना तो अलग ही लेवल होगा आपका यार, अलग ही लेवल होगा। मैं कोई बच्चों वाली पार्टिंग नहीं कराता हूँ, जो मैं पेश कराता हूँ ना हेवी हेवी मूल कराता हूँ दोस्त। अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ ना, अभी मेरा रीजन जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना अभी जैसे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, किस टाइप का मेरा मूल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो देखो आपका किस लेवल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो नहीं करना चाहिए, अगर मान लो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो है मोल डिजाइन जब कराते हो कोई डेमो ले लो, मैं यूट्यूब में यहाँ 350 वीडियो डाल रखा हूँ, उसके बाद मैं डेमो दूँ फिर मैं ज्वाइन कराऊ, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है। पहली बात तो ऐसा है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है कि मैं डेमो दूँ, डेमो दे के तो मैं वैसे ही ज्वाइन करा सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से मोल अगर मैं दिखाऊँ ना, ये तो हमने बना रखा है, ये कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं है किसी का, तो मोल नहीं है, हमने बना रखा है, काम करा है इस मोल पे, इस तरीके से मोल पे। कौन कराते हैं बम्पर में काम करा है, कोई कंसोल में काम करा है, कोई डैशबोर्ड में काम करा है, काम तो नहीं करा ना, ये सब चीजें मैं काम कर रहा हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सब फाइल देख रहा हूँ, स्टूडेंट से होमवर्क चेक करवाए हो बना के, जो जितना करना सही है। अगर आपकी एक्सपीरियंस 8 साल का है तो 8 साल के हिसाब से सिखाऊंगा मैं। ये देखो सारा असेंबली बनाना रखा हुआ, असेंबली कॉन्स्टेंट के लिए 2-3 बकरा ले रखा हूँ, सारा चीजें असेंबली में बनाता हूँ दोस्त। देखो ना इस लेवल पे मोल बना रहा हूँ, ये हॉट रनर मोल्ड है, ऊपर का काम नहीं करा मैंने, इसलिए ये 3 मैनिफोल्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आपको मोल करा, तो सारा चीजें देखो असेंबली में काम करता है यार, प्रॉपर हिस्ट्री मिलेंगे आपको एक एक, ठीक है। मैं फिक्स को हटा देता हूँ, देखो किस तरीके से मोल देगा, वेयर प्लेट है, स्लाइडर है। अगर मैं आपको लिप्टर केस दिखाऊँ ना, तो आप लिप्टर का केस देखो, तो पार्टिंग को हटा देता हूँ, उसको देखो किस तरीके से बराबर लिप्टर है, लिप्टर के अंदर कूलिंग हो रही है, सारा स्टैंडर्ड है यार, एक एक चीजें। इवन हाइड्रोलिक सिलेंडर भी है, ये भी स्टैंडर्ड लगा रहा है, लोकल कंपनी वाले काम ही नहीं है, सारा डिटेल में करता हूँ काम, ठीक है। जिसको सीखना है ना वो सीखेगा, अगर मैं आपसे मेरे पास कोर्स करने आते हैं, मैं आपको ऐसा मोल दिखा दो आप ज्वाइन भी हो जाओगे, लेकिन मैं वो डेमो देख, किसी को डेमो नहीं दिया आज तक, कोई बोल नहीं सकता है मैं किसी को डेमो देख ज्वाइन करा हूँ। 1200-1300 स्टूडेंट मैं अब तक ट्रेनिंग करा सकूँ, कभी भी मैंने कोई डेमो नहीं लिया, ठीक है, किसी को डेमो नहीं दिया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ता यार डेमो देखे किसी को, ये सबसे दिखा के ज्वाइन करो ना, वो मेरा क्या होता है, मेरा इज्जत डाउन करवा रहा हूँ मैं, अपना क्वालिटी डाउन करा रहा हूँ। ऑलरेडी इतना वीडियो यूट्यूब में है, आपने सारा चीज़ें देख रखा है, फिर डेमो रूप कोई मतलब नहीं बनता यार, और टाइम भी नहीं है। अगर मेन दिन में 20 लोग फोन करता है तो 20 लोगों को डेमो रूप 20 घंटे चला जाएगा मेरा, और आजकल मेरा टाइमिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। ऑफिस से आने के बाद मैं सीख ट्रेनिंग देता हूँ, 3 बैच चलता है डेली, उसके बाद मेरा खुद का प्रोजेक्ट्स होता है जो मैं ये सब चीज़ें बनाते रहता हूँ, उसमें भी काम लेता हूँ। दिन में जो रात को सोता हूँ ना 5-6 घंटे सोता हूँ मैं, फिर डेमो देने का टाइम कहाँ मिलता है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको पता है, जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। तो ठीक है ना, इस तरीके से ये मेरा डिसेंट मोल्ट है, अभी ये मोल मेरा मशीनिंग पे है, और ये भी MNC कंपनी का है, लोकल कंपनी का नहीं, MNC कंपनी का, क्योंकि सारा स्टैंडर्ड बड़ी कंपनी का है, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं काम, अभी ये मेरा बन गया है। अब देखो दोस्तों इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्रिम करूंगा इनको, ठीक है। अब हल्का हल्का मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, हल्का हल्का कर क्यों दे रहा हूँ अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको ट्रिम कर देना है, क्योंकि तो मुझे इसको अपने हिसाब से रखना है मेरे दोस्त। अब यह जो पहला है इसको हम एक्स में काटेंगे, पहला बात जो है इसमें हम एक्स को काटेंगे,
ठीक है, इसको हम काट दिया। अगेन हम इनको जो है इतना मुझे पार्टिंग दूंगा तो मेरा बहुत मोल्ड मतलब खराब हो जाएगा, बहुत मेरा चीजें बिगड़ जाएगा, राइट। तो इसको हम कम करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब अगेन हम ये मेरा जितना भी पार्ट है इसको भी हम कम कर लेंगे, ठीक है। इतना होना चाहिए कि सफिशियंट आपकी पार्टिंग रहे, ठीक। अब ये जो कार्व है इसको हम हटा देते हैं। तो अभी दोस्तों देखो आपका क्या बन गया, एक तरीके से आपकी सरफेस बन गया। अब इस सरफेस को हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे। देखो मिरर करने से पहले मेरा जो कंपोनेंट है जहाँ पे मैं हल्का फुल्का काम कर रहा हूँ, हल्का फुल्का काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये चेंज करा है, ठीक है, उस चीज में आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और ये जो मेरा पार्टिंग है, जैसे मेरा ये वाला पार्टिंग है, ये करना जरूरी है। बाद में कभी कभी आप जब मोल बनाते हो लास्ट में आपकी पार्ट क्या सेपरेट नहीं होता है तो आप परेशान हो जाते हो कि सर मेरा सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेपरेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग ने ये काम नहीं करा। भाई जो चीजें बता दे रहा हूँ ना आपको, मतलब मान लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, जब भी मोल बनाओगे, ये मेरे तरफ से गारंटी है दोस्त। तो ध्यान से सुनो जो मैं सिखा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ले लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हल्का से कहीं पे तीन पास है, तो इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको करने की जो जरूरत है, इतना पर्सन में हमने काम करा है। अब जो आपका ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को इसको हम काम करेंगे। मैं सरफेस को गायब कर दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे मुझे काटना है इस एरिया में, जैसे ये वाला एरिया बाहर निकल के आएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रिम आउट करूंगा। ट्रिम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सरफेस ले लेना है और इधर पे जाके बॉडी सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर दो। खल्लास कहाँ पे काटा, ये दोनों पर्सन में काटेंगे, रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसको मैं डिलेट बॉडी कर दूंगा, ठीक है दोस्त। जो आपका ये वाला पोर्शन है ये किस में आ गया, अभी ये 90 में है, इसका ड्राफ्ट देखोगे ना तो ये आपका किस में आ जाएगा, कोर पे आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसको नहीं करता तो बाद में ये सेपरेट नहीं हो पाता और आपका क्या हो जाएगा, फिर पार्ट सही से नहीं बनता मेरे दोस्त। तो आपने क्या सीख लिया, किस तरीके से बनाना है, तो आपने ये चीजें यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। ये देखो पोर्शन जो है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन अपना किस में आएंगे, इनहेरिट में आएंगे, ठीक है। ये मेरा कोर पे ले लिया मैंने के बेटी की जगह, अभी 90 में देखोगे ना ये खत्म हो गया, देखो ठीक है। देखो ये गला आपका पोर्शन कोर पे आ जाएगा, ठीक है, देखो 90 में आ गया, तो ये कोर पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हल्का सा काम कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ले आता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से ये बन जा रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है जो आपकी कोर पे आ रहा है, ये जो केविटी में आ रही है, ठीक है। तो इस वाला पोर्शन जो है ये मैंने सिलेक्ट ही नहीं करा, इसलिए मुझे फेस लेना है, हमने इसको स्प्लिट करना है। आपको यहाँ पे जैसे आपका पार्टिंग था, जैसे हमने लेयर पे डाल रखा है, तो इसको मैं अभी के लिए ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ जाने की बात स्प्लिट कर देता हूँ। इस फेस को सिलेक्ट करके डिवाइडिंग फेस मेरा कार्व होगा, ये मेरा कार्व है, तो इसको मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, क्लियर है। क्लियर करने की बात फेस कंफ्यूजन नहीं रहना है, प्रोडक्ट क्लियर रखना है। ऐसा नहीं, देखो अभी आप काम कर रहे हो, कल कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपने ये टूल बना के रख दिया, ठीक है, आपने टूल बना के रख दिया। कल मान लो आपकी दोस्त ने इसके इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आ गया, आपका दोस्त आ गया कि कल इसको जो है ये वाला टूल मॉडिफाई करो, तो भाई उसको नहीं पता है ना आपने क्या काम कर रखा हो, तो फिर वो कंफ्यूज होकर आपके बारे में गाली देंगे, अरे यार क्या काम करता है ये बंदा, ऐसे गलत बना के रखा है, ऐसे वैसे बना के रख दिया है। ऐसे नहीं होना चाहिए, जब भी बनाएगा यार इसमें तो बहुत बढ़िया बना रखा है, ऐसे होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए ना। इसी हिसाब से मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमने काम करके रखा है, ऐसा तो काम नहीं है, बहुत साल मैंने काम करके तो ये चीजें मुझे जाना हो ना। तो आपको भी जब भी काम करोगे तो आपका भी नाम होना चाहिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक सी दे देंगे, ठीक है, आ गया। अब अगेन जब मैं सॉलिड को ले आऊंगा तो यहाँ पे हम सॉलिड को ले लेंगे, इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं। तो बन गया आपकी इसकी कोर, तो किस तरीके से आपको कैसा लगा, है ना। अब ये जैसा चीजें है ये आपकी कंपोनेंट पे ऐसे, जैसे आपकी थोड़ा सा वेब सा दिख रहा है ना, ये आपके कंपोनेंट पे है, इसको मैं और ठीक नहीं करूंगा, देखो ना ये इतना नहीं है, जैसे जिस हिसाब से है इतना रेडियस रहेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका रेडियस कितना है, 20 mm का, कोई दिक्कत नहीं है, 20 mm का कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पर भी लूज रेडियस नहीं रख रहा है, जहाँ पे भी हमने रेडियस रखा है ना तो अच्छा रेडियस दे रखा है, देखो ना यहाँ पे हर जगह में बढ़िया बड़ा कटर चला सकते हो आप, क्योंकि इस तरीके से जो
सरफेस होता है तो आपको क्या कौन सा टूल चलाना पड़ेगा, बोलनोस चलाना पड़ेगा ना, तो बड़ा बोलनोस चला सकते हो आप। मैं इस तरीके से यह पार्टिंग लाइन डिजाइन कर रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी प्रोग्रामर इसमें प्रोग्राम करेगा ना वो भी बोलेगा कि हाँ इसने अच्छे से काम करा या इसने सही काम करा है, तो आपको वो चीजें भी बोल सकते हैं, एक तरीके से आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे और पार्टिंग स्मूथ करना है तो इसको आगे पीछे करके स्मूथ कर सकते हो, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और टाइम दूंगा तो और अच्छा बना सकता हूँ। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, है ना, जैसे मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ तो मैं YouTube डाल लेता हूँ यहाँ पे, और मेरा जो फोल्डर होगा मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में इसकी लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, डन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट में मैंने आ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अब मैंने इसको यूनिट नहीं करा, ठीक है, अब मैं इसको यूनिट कर देता हूँ, यूनिट करूंगा ना तो इसका काम मतलब हो गया। ठीक है, ये यूनिट हो गया मेरा, तो मेरा प्रोडक्ट पे जो मैंने चेंजेस करा प्रोडक्ट में मॉडिफाई हो गया, पार्टिंग सरफेस प्रॉपर बन गया, स्मूथ बन गया। ठीक है, सबके हिसाब से मैं बना दिया हूँ। अब अगेन मुझे इसकी बनाना है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, तो कौन सा साइज बनाने मुझे इजी होगा, ये वाला। मैं हमेशा लेफ्ट साइड बनाने में मुझे इजी होता है तो मैं लेफ्ट साइड बनाऊंगा। सिलेक्ट करा, अगेन न्यू फोल्डर में जाऊंगा, सॉरी न्यू प्लान में जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं कट आउट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, अलाइन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा मेरे दोस्त। अगेन जाऊंगा यहाँ पे, जाने के बाद इधर में जाऊंगा, जाने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, ये वाला प्रोडक्ट को नहीं दोस्त, इस बार इस वाले को सिलेक्ट करना है। करने के बाद फिर तक डायरेक्शन सही होना चाहिए, कभी कभी गलत फेस के अबाउट ले लेता है तो कैलकुलेट कर देंगे इसको, तो हल्का सा टाइम लगता है कैलकुलेट होने में। ठीक है, तो देखो मेरा जो यहाँ पे कंडीशन है इसको फैमिली मॉल पे बनाना है, और कंपनी की इतना वेट है ना कि एक गेट में ये भरेगा कि नहीं भरेगा, अगर नहीं भरेगा तो मुझे यहाँ पे टैप गेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, टैप गेट भी बनाना पड़ सकता है, फैन गेट भी बनाना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है आपका। देखो यहाँ पे ये अगर अगेन यहाँ पे कुछ कर्व पे जाएगा, कुछ कैविटी मिल जाएगा, सो मच कॉन्फ्यूजिंग राइट। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्रॉस ओवर है, जैसे मेरा ये क्रॉस ओवर है, तो आई विल मेक इट इन कैविटी साइड, यहाँ पे मैं कैविटी में ले लूंगा। क्लियर है, बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं कैविटी में ले रहा हूँ। अगेन यहाँ पे तीन फेस है, लाइक ये फेस है और यहाँ पे पार्टिकल फेस है, पार्टिकल फेस, तो इसको मैं कोर पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अननोन फेस वन है, अननोन फेस ये कंफ्यूजिंग फेस है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे अननोन फेस मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे मेरा अननोन फेस है, लेट से मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके सब फेस को मैं हाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे जो अननोन फेस है अब मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो, देख पा रहे हो आप कहीं पे, जूम करके भी देख सकते हो आप जहाँ पे अननोन है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहीं पे होगा कहीं पे, इस साइड में होगा कहीं पे, तो आप इससे भी हाईलाइट कर सकते हो, छोटा सा वॉट फेस है, चलो इसको कोई बात नहीं, इसको हम कैविटी में ले लेते हैं, डन। तो मेरा कैविटी आ गया, इसको हाइड कर दो अभी, आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट बनाते हो आपको कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक बार इससे भी एनालाइज कर लेंगे। देखो मैं आपको और टिपिकल तरीके से बना बता सकता हूँ, टिपिकल तरीके से बता सकता हूँ, मतलब देखो मैं पूरा मॉल विजार्ड में भी सिखा सकता हूँ। मैं अगर इसको मॉल विजार्ड में बनाऊंगा ना तो ये मेरा 10 मिनट में बन जाएगा, अभी 30 मिनट है ना, तो एक 10-20 मिनट में पूरा मॉल इसकी कोर कैपेसिटी बना दूंगा मैं, 20 मिनट में, आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, तो खुद सोचो। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा आपका भी। अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं मॉल विजार्ड की तरीके से बता दूँ ना तो आपको सारा चीज़ें मैं बता दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना जल्दी बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना ऑप्शन मिलता है सारा चीज़ें चेक करने के लिए, रीजन में जाओ कितना ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं फेस में जाता हूँ ना, यहाँ फेस प्लेट पीस पेट की डाप चेंज करने का, देखो यहाँ पे कार का ऑप्शन मिल जाता है, प्लान इंटरसेक्शन आइसो इंक्लाइन सारा चीज़ें मिल जाती है, इससे बनाऊंगा ना दो कमांड पे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हल्का सा मैं टाइम लगा रहा हूँ। और जो मेरा मॉल बिजट का स्टूडेंट है ना, ये 20 मिनट में बना देगा, ये पूरा मॉल 20 मिनट में बना देगा कोर की वीडियो की, मैं गारंटी देता हूँ ये। तो वो बात है आपके, क्योंकि उसको उस लेवल की क्वालिटी देता हूँ ना, उसकी हिसाब से क्वालिटी देता हूँ। और पार्ट टू में सिंपल फ्लैट पार्टिंग तो नहीं कराता हूँ, टिपिकल पार्टिंग कराता हूँ जो भी स्टूडेंट है। अब देखो यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पे, जाने के बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट कार्ड, तो अगेन हम सिलेक्ट करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना सा सरफेस है। ठीक है,
ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग करा है ना, तो इसमें हल्का सा ये गड़बड़ी है, इतना सरफेस नहीं आना चाहिए। जब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कराता हूँ ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी। अब देखो, ये सरफेस मैं एक्सेप्टेबल नहीं करूंगा, इसको मैं नया से बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं नया से बनाना है आपको, क्योंकि ये सरफेस आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये ऐसे खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब हम जो है इसको आइसो इंक्लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। तो लो, कार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब कार्ट तो हो गया, सब ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जो आपकी मेन सरफेस था। अब मुझे ये जो फेस है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करूंगा ना, क्योंकि इसमें इस तरीके का कार्ट तो आपको नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में थोड़ा सा काम कर लेंगे। कल मान लो आपको उस प्रोडक्ट में काम करना पड़े, तो आप कैसे करोगे ये भी सिखा देता हूँ, आप लोग देखते जाओ बस। आप लोग को देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बस लड़का बंदा भी ऐसा होना चाहिए कि सीखने के लिए रेडी हो, राजी हो, है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अनशू कर दिया। अब यहाँ पे भी इसको भी मैं अनशू कर दिया, ठीक है। बहुत काम कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट डिजाइन पे, तो मैं जिसे आपको कराऊंगा ना, तो वो अलग ही लेवल पे कराऊंगा। इसको भी अनशू कर दिया मेरे दोस्त, क्लियर। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद इनको डिलीट कर दिया, इसको भी ले लो तो साथ में कर दिया। अब जैसे ये सरफेस है, इन सरफेस के बीच में मैं क्या करूंगा, डिलीट इसका यूज कर सकता हूँ मैं। ये अच्छा, एक आपके लिए एक अच्छा कमांड है अगर आपको ये यूज करना है, लेकिन कभी कभी डिलीट इज काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखो, डिलीट इससे आप कर सकते हो, ये स्मूथ बन गया एक तरीके से। अब जैसे ये वाला आपकी कर्व है, अब इस कर्व के साथ जैसे ये फेस है, अब इस फेस के साथ मुझे इसको अटैच करना है, क्योंकि मैंने ये वाला ऑलरेडी डिलीट कर दिया। आपको यहाँ से घुमा के दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये फेस है ना, इनको भी अनशू करना है, क्योंकि मेरा कार्व इधर से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने की बात मैं इनको ट्रिम कर दूंगा, इस पार्टिकुलर सरफेस को, क्लियर। डन। अब इनको भी हम हटा देते हैं दोस्त, ये भी मेरे को जरूरत नहीं है अब तो, जितना जरूरत है उतना रख लूंगा। अब उनके बाद आपको फिर अगेन कार्व में जाना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं था, ये प्रोडक्ट में चेंज करना, लेकिन सिखा रहा हूँ। कल मान लो आपको काम करना होगा, तो आप कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यह देखो, 1:1 रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये जो सरफेस रह गया इसको उड़ा दो, नहीं तो ये बाद में इश्यू करने नहीं देगा आपको, इसलिए नहीं हट रहा, इसमें अनइश्यू नहीं हुआ, ठीक है। डिलीट करके उड़ा दो, लेयर पे ज्यादा मत रखो, वो डिलीट कर दिया करो, तो क्लीन हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छे से बन पाएगा ना। अब देखो दोस्त, ये मेरा हो गया है ना। अब मैं ट्रू कप का यूज करूंगा। ट्रू कप में हम पहले इस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे दोस्त, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा जो ब्रिज कार्ड है उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्ड कनेक्टेड होना चाहिए। फिर अगेन इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप सही से चीजें समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है। देखो, यहाँ पे एक फेस को सिलेक्ट करा है ना, और यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट करा है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करा है, साथ में इसको भी सिलेक्ट करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कहीं पे कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो, यहाँ पे जो तो सरफेस है आपका ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे इसकी हालत खराब है, इसका जो हालत है वो खराब है, यहाँ पे हालत खराब है। तो मुझे यहाँ पे अगर टॉलरेंस कम कर दूंगा ना, तो ये ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन मैं टॉलरेंस कम नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए आपको इसको अनशो करके या दोबारा से एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं शो कर देता हूँ, पहले मैंने इसको वो कर दिया ना, 0.001, मतलब टॉलरेंस बढ़ा दिया दोस्त मैंने, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ा दिया मैंने। अब सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हल्का सा है क्या, राइट क्लिक करके आपने डिस्प्ले कर देना अगर ऐसे दिक्कत करता है तो। कोई ये देखो, हल्का सा यहाँ पे चीजें है, पता नहीं चल रहा है ना आपको, सरफेस ही ऐसे जबरदस्ती लगाया, जबरदस्ती वाला काम नहीं होता, अच्छे से करना पड़ता है चीजें। यहाँ पे ये वाला सरफेस आ गया आपके, ऐड करके, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। 0.00, 0.00,
लग गया, टेंजन लगाना है तो टेंजन लगा सकते हो, जैसे ऑलरेडी टेंजन ही होगा, राइट क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ, सही हो जाएगा। देखो ये बन गया मेरा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये मेरा बन गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फेस के साथ ये वाला फेस लगाना है ना। यहाँ पे कभी भी आप जो है देखो, मैं अगर यहाँ पे बाउंड्री प्लेन लगाऊंगा ना, बाउंड्री प्लेन में दिक्कत क्या आएगी, स्ट्रिंग नॉट कोलिनियर, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, यह लगेगा नहीं। अगर मान लो मैं एनसाइडेड लगा दूंगा यहाँ पे, तो एनसाइडेड आपका लग जाएगा, क्यों, क्योंकि एनसाइडेड इंक्लाइन में भी लग जाता है। लेकिन ये जरूर टेस्ट करना है कि प्रॉपर ड्राफ्ट हो, वेव्स नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको रिप्लेस बाद में करना चाहते हो तो आप रिप्लेस करके देख सकते हो, राइट क्लिक करके अपडेट डिस्प्ले ज्वाइन है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब जो है आप दोनों को सेव करके हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, मैं सॉलिड बना कि नहीं, सॉलिड बन गया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्त किस तरीके से आपको काम करना है। अब इस पार्टिकुलर फेस का अगर आईसो इंक्लाइन आप लेना है ना, तो आप ले सकते हो, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, लेने के बाद इसको आईसो इंक्लाइन दे दो, ये आपको आईसो इंक्लाइन बन गया, ठीक है। अब मैं जो भी मेरा ब्रिज था, ब्रिज को हटा दूंगा, क्योंकि मेरा ब्रिज जो है इसको कंफ्यूजिंग कर देगा। फिर यहाँ पे मॉल विजेट में जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा। आपको देखो कहीं कहीं मॉल विजेट का भी चीज यूज करना है, तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आप मैनुअल के साथ मॉल विजेट भी सीख लो। मॉल विजेट कहीं कुछ चीजें आपका बेकार नहीं जाएगा जिंदगी में दोस्त, कुछ चीजें हमेशा आप सीखते ही रहोगे, सीखते ही रहोगे, ठीक है, तो सीखते जाओ वो चीजें, हो गया। अब हम इसकी कलर पे कर देते हैं। अब मान लो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, अब ये तरीका अगर नहीं बताऊंगा कल आपको दिक्कत ही आएगी बनाने में, फिर इसके नहीं बना पाओगे, इसके आगे फंस जाओगे, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसको पता है किस तरीके से बनाना है, इससे टिपिकल कराता हूँ और इससे ताफ फ्रीजे भी कराता हूँ। बंदा भी ऐसा होना चाहिए कि सीखे, जो इंटरेस्टेड बंदा है वो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है सिखाने में, जो सही से इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब जो है कर्व है, अब कर्व को मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो जितना भी कर्व है मेरा, तो मैं यहाँ पे कर्व को लेके सारा कर्व को मैं गायब कर दूंगा, क्योंकि मैंने काम तो कर दिया कर्व का, हो गया जी, अब आ गया। अब देखो ये जो ऊपर वाला कर्व है ना, जो हमने ये लिया था, ये कर्व को लेना है आपको, लेने के बाद ये डायरेक्शन में दे देना है, 160 कर लेना है, और यहाँ पे 100 mm के लिए बोला था मैंने आपको, 100 mm कर लेना, ठीक है। अब इसको मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, ये लंबा हो जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्त, इसके बीच में वो लगाऊंगा मैं, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इनके बीच में जो इन लगाऊंगा। अब जैसे इनके बीच में लगाना है, ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसको मैं कलर को चेंज करना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनको एक्सेप्ट करने जाऊँगा ना, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, इनको हटा सकता हूँ मैं, ये मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला फेस और ये वाला फेस, देखो एक चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ, कोई एक बंदा है जो आजकल ट्रेनिंग देते हैं YouTube में, वो भी एक टाइम में मेरे स्टूडेंट था, ठीक है, मैं नाम नहीं चैनल लेना चाहता हूँ, मैंने देखा है उसका YouTube, क्योंकि वो वीडियो वगैरह बना के डालता है, तो एक टाइम में दोस्त आप वो भी मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, तो मेरे से कोई कॉम्पीट क्या करेगा, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, बट वो है यहाँ पे देखो ये ऐसा वेब सा बन के आ रही है ना। अब इसको मैं किस डायरेक्शन में ले जाऊँ, इस डायरेक्शन में बना दो तो सही रहेगा कि उस डायरेक्शन में बना दो तो सही रहेगा, तो ये भी देख सकते हो आप। जैसे इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में ले आता हूँ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ले आऊंगा, ये ऐसा नहीं डिसाइड कर पाओगे, ये फैमिली मोल्ड है, इसके साथ आपको ये सरफेस देखना पड़ेगा। अब ये सरफेस को ले आऊंगा ना, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा कि सही बनेगा, आपको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा कि सही बनेगा, आपको ये भी देखना है कि कल उस दोनों सर्फेस को आपको मिलाना पड़ेगा, दोनों सर्फेस को आपको मैट करना पड़ेगा। अब देखो ना ये मैट होगा कि नहीं होगा, ये देखो हाँ मैट हो जाएगा, लेकिन ये नीचे आ जाएगा आपका, है कि नहीं दोस्त, फिर इनको आपको आगे खींचना पड़ेगा, तो बेटर है ये सरफेस को हम इस डायरेक्शन में ले आए, ये सरफेस को मैं इस डायरेक्शन में ले आऊंगा, सब चीजें बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, टेंशन ही ना लो आप। अब ये जो मेरा फैक्टर है, इनका फैक्टर में अगर ये वाला दे दूं तो कोई बात नहीं, सही है ना, इसको तो मिलाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप मिला सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसको मिलाने में दिक्कत है, तो आप इसको इंडिपेंडेंटली अलग से कर सकते हो,
अब देखो ये मेरा पार्टिंग ऐसे घूम जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा तो ये बनेगा ही नहीं, है ना, लाइन बनते जाएगा पार्टिंग, ये सही बनेगा नहीं। तो इसको भी हम ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इसको इस तरीके से बनाओगे यहाँ पे स्टेप आएगा। कल मान लो तुम्हारा जो ये एंगल बन के आएगा ना वो केवीरी साइड में, वो एक टाइम पे वेयर आउट हो जाएगा और वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बहुत मोल बना रखा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मर्जी आपकी है, अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन कल जो है वो काम चलेगा नहीं, वेयर आउट हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ें बनाना है सही डायरेक्शन में बनाओ और सही बनाओ आप, ठीक है। अब देखो इनको हम जो है इधर पे ले आते हैं, ये जो कार्व है इस कार्व को सिलेक्ट करो आप और इसको सिलेक्ट कर लो, इनको जो है इस डायरेक्शन में ले आ रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर इसमें ऐसा आ रहा है, बाबू ये यहाँ पे रेडियस देखो कितने का है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है, आराम से काटेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर का सरफेस है, ठीक है, आराम से काटेगा ये। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि चेंज ना करो, क्योंकि इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको लास्ट में करूंगा, लास्ट तब आपको समझ में आएगा। अब ये सरफेस है, इसको इस डायरेक्शन में ले आना है आपको, ठीक है, देखो ये इतना लाइन बनेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका इलाज मैं आपको दूसरा बताऊंगा, ठीक है। तो इसके 100 में जगह इसको हम 200 कर दो अभी के लिए, इसका इलाज क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। अभी देखो ये एक बार में बनेगा, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। अब इनको बनाना है, इनको बनाने के लिए एक तरीका बता देता हूँ मैं, कोई नहीं सिखाएगा ये तरीका आपको, कोई नहीं सिखाएगा, बस आजकल लोग जो है ना पागल बनाएगा आपको, ये देखो किस तरीके से बनाना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लो सीधा, ये लो सीधा, एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करा हमने, तो ये कार को इसको भी सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइन है, नहीं है, लाइन ऑन करना है, लाइन ऑन कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइन है, नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको इतना रख दूंगा, इसको इसको रेडियस को सही है ना, तो रेडियस को आप ले सकते हो, कैसे लेना है रेडियस को, मान लो मुझे सही है, ये वाला सही है मुझे, ये वाला ले लो बस, इतना कहा नहीं करता हम। यहाँ पे लाइन नहीं है, इनको लाइन बनाना है तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अब इनकी लाइन बनाना है तो हम इसके लाइन का अलग से बना दो, कितना स्मूथ बनेगा। कोई पार्टिंग बनाते हैं मैं देखा हो, लोग ऐसे होता है कि आप ये मतलब मुंह से बना रहा है, इतना लाइन लाइन लाइन, इतना सारा लाइन होता है, ऐसे थोड़ी ना बनता है यार, बनाएंगे ना सही से बनाओ, मजे से बनाओ, लेकिन नाम होना चाहिए, यहाँ बंदा बहुत बढ़िया पार्टिंग बनाता है, ऐसा नाम होना चाहिए आपका। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग खूब नाम कमाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिया, लेने के बाद इसको हम ये भी सिलेक्ट कर लिए, सॉरी इसको और यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन दे दी हमने, ठीक है। लाइन आ गई एक लाइन, इसको दो लाइन करना है तो यहाँ पे इसको ऑन कर दो। जिसने वीडियो पूरा देखा है ना तो उसको बहुत सही समझ में आ जाएगा। अब देखो ये पार्टिंग मेरा किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे सारा चीजें है, अब पॉइंट तो में देखो ना कितना बड़ा बड़ा टूल चल जाएगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, बीच का कटर चल रहा है, बीच का कटर चलेगा, बोल लो क्यों लोड ले रहे हो आप, मैं हूँ सारा चीजें बता के दिखाऊंगा आपको। बन गया, ये बन गया ना। अब देखो दोस्त ये वाला ऑप्शन बनाना है, अब मैं अगर मान लो इसको स्वीप करके बनाऊ, अगर मैं इनको स्वीप करके बनाऊ तो ये कैसा बनेगा, क्या सही लग रहा है, लग रहा है क्या सही, नहीं ना सही नहीं है ना, इसके बारे में बताऊंगा, अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं। देखो ये 13 है, ये 13 है, तो इसको हम पहले सीधा करेंगे, ठीक है। तो सीधा करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रिम सरफेस का यूज करूंगा, देखो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना, बहुत बढ़िया फ्यूचर है आप लोग का आगे, ठीक है, डिजाइन में बहुत बढ़िया फ्यूचर है, लोग डिमोटिवेट मत होना, ठीक है, लोग गलत भी मिलेंगे आपको, गलत लोग सही भी मिलेंगे जिंदगी में, ठीक है, कोई गाइड कर देंगे, कोई मैंने देखा वो बहुत जो होता है ना पैसे के लिए बहुत गलत गाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपको डीमोटिवेट ना होना, कहीं पे कुछ चीज़ें आपको कोई पूछना है कि कैसा करियर चाहिए तो बिल्कुल फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बात वो है अलग है, लेकिन मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, आप कर सकते हो,
मिसगाइड मत होना, बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत बढ़िया लाइन है, अगर बहुत अच्छे से काम करोगे ना तो बहुत कुछ चीजें जिंदगी में कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीजें हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो बोलते जो लोग कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर पाओगे, वो लोग बोलते जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, जो जितना देख पाएगा उतना ही बोलेगा ना। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है जो जितना देख पाएगा आपको उतना ही बोलेगा, अगर कोई ज्यादा देख पा रहा है तो ज्यादा बोलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना मेरा, तो बात वो है आपके। तो यहाँ पे हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं करा, ज्वाइन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट इज नॉट, यहाँ पे हम इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख कर दो, पता ही नहीं चल रहा, डन। और अच्छा करना है बताओ, और अच्छा करके दिखाओ। चलो और अच्छा करके आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये मेरा आर्टिकल है, अब इस आर्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करा है। अब इसको मान लो मैं इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दूँ, जैसे इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दूँ ना, तो ये और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। मतलब से मैं ये वाला सर्फेस था ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, रुको मैं दिखा देता हूँ। पहले बहुत तरीका है दोस्त, बहुत तरीका है। कभी कभी हम जो है फॉल्स पार्टिंग ले लेते हैं, कभी कभी हम फॉल्स चीजें बना लेते हैं, मतलब फॉल्स मतलब बनाते सही है, बाद में उसको हम सेंस कर देते हैं कि हाँ यार इसको सेंस कर दिया बाद में, ठीक है। ये देखो ये इसको हम बता देते हैं ना? अब ये इधर में डायरेक्शन में बन गया, ये भी पार्टिंग कोई गलत नहीं है, इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो। अब मैं इसको ट्रिम करूंगा दोस्त, इसमें मैं ट्रिम करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में ट्रिम कर दे रहा हूँ मैं। देखो अलग अलग तरीके से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से चीजें समझ पाओ, बढ़िया से चीजें समझ पाओ। अगर मैं चाहूँ ना इसको, इसको मैं इस डायरेक्शन में स्वीप भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं होगा, ये तरीका आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में स्वीप कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब इनको मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ये देखो ये अप में है, ये डाउन में है, तो यहाँ पे स्टेप बन जाएगा, कोई कोई बना देगा, हाँ ऐसे सल सल जाएगा, ऐसे ही बनेगा ये, तो और दूसरा रास्ता नहीं है, ये बेकार है भाई, बेकार है, आपको आता ही नहीं है अगर इस तरीके से आप बना रहे हो तो। आजकल पागल बनाने का बहुत सारा तरीका है लोगों को, लेकिन वो काम हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्सट्रूड है ना, यहाँ पे मैं सॉलिड पॉली को हटा के नो फिल्टर कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा स्प्लिट नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा जो स्प्लिट करा था ना डिवाइड फेस में, तो यहाँ पे मैं डिवाइड स्प्लिट को स्प्लिट नहीं कर रहा था, इसीलिए ये मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब कर देते हैं इनको। इनको करने के लिए आपको फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा आईसो इनक्लाइन पे, सिलेक्ट करने के बाद आईसो इनक्लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फैक्टर देते हो, आ गया। फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाके बाद, तो जब भी करोगे एक बार में देख लेना, ये जो प्रॉब्लम आता है ये बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। नॉट इंटरसेक्ट, चलो कोई बात नहीं, इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे, आप टेंशन ही ना लो, ठीक है। अपने हिसाब से कैसे करेंगे, मैं इनके दोनों के बीच में एक ब्रिज कर्व लगा दूंगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कर लो, ठीक है, खुश हो आप। तो अब देखो, अब इनके बीच में मैं काम करूंगा, इनके बीच में काम करने के लिए मुझे एक तो चाहिए फॉल्स पार्टिंग, चाहिए मुझे फॉल्स पार्टिंग बनाना पड़ेगा। फॉल्स पार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ब्रिज लेंगे इधर, एक तो ब्रिज लेंगे उधर, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे जाने की बार मैं थ्रू का मैच कर दूंगा। देखो मैं अगर आपको ये वाला मॉडल आपको मैं यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, मतलब यूट्यूब में फ्री में करा रहा हूँ, तो मेरे पास तो कितने मॉडल होंगे इससे टाफ टाफ का, आप समझ रहे हो ना। और कुछ कुछ चीजें मैं शेयर भी नहीं कर सकता यूट्यूब में, अब बहुत सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, कहीं गलती से मान लो शेयर हो गया ना, तो मुझे भाई भुगतान करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ चीजें मुझे यूट्यूब में मैं शो नहीं कर पाता हूँ, बहुत कुछ चीजें मैं नहीं दिखा पाता हूँ, किस लिए, क्योंकि वो रीजन्स है, वो रीजन्स है जहाँ पे मैं शो नहीं कर पाता हूँ। देखो आप हो गया आपका, क्योंकि इसका स्प्लिट नहीं हो रखा था, बताओ मजा आ गया दोस्तों। इस लेवल पे पार्टिंग बनाना है आपको, आजकल मार्केट में ना पागल बनाने का बहुत सारा कंपनी खोल रखा है, लोगों को पागल बनाता है, ठीक है। बढ़िया से सीखो, क्वालिटी सीखो, देखो महंगा रोए एक बार बट सस्ता रोए बार बार, समझ में आ रहा है ना। तो आपको अगर सस्ता रोना है ना, तो आपको बार बार रोना पड़ेगा बार ऐसा है,
अब देखो इसको ठीक करना है, ये बहुत टिपिकल चीज है, इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए इसको हम पहले काट करेंगे, ठीक है। तो मैं ट्रिम करूंगा इनको, ये जो भाई साहब है इसको ट्रिम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको या इतना ठीक है, डायरेक्शन में ट्रिम कर लेंगे। अब अगेन ये मेरा सही है, अब इस डायरेक्शन में मुझे बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ब्रिज ले रहा हूँ। मैं एक बैच में 10 ही स्टूडेंट लेता हूँ, मैं अगर चाहूँ ना 15 भी ले सकता हूँ, मेरे तो 15 से ऊपर स्टूडेंट हो जाता है महीने का, ठीक है। मैं 15 भी ले सकता हूँ, 10 क्यों लेता हूँ, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है मैं करा ही जा रहा हूँ या समझ में नहीं आ रहा है, तो सारा चीज़ आपको समझ में भी आना चाहिए कि जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आए, वो बात उस चीज़ का है, ठीक है। पैसा कमाने का बहुत रास्ता है, लेकिन सही तरीके से आपको कमाना चाहिए। और मेरा यूट्यूब, यूट्यूब जो है मेरा पहला इनकम तो नहीं है, मेरा तो पहला इनकम अलग भी है, ठीक है। मेरा तो जॉब भी कर रहा हूँ मैं, मेरा अलग बिजनेस भी है, ठीक है। यूट्यूब से मेरा थर्ड पार्टी बोल सकता हूँ मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसको पता है, जानते हैं, जो मेरे को जानते हैं उसको पता है, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया आपका, ये भी कोई दिक्कत नहीं है एक तरीके से। और अगर चाहते हो कि इसमें मैं और काम करूँ, और काम करके मैं दिखा देता हूँ, रुको। जैसे ये मैं और स्मूथ करना चाहता हूँ, लच्छे में इसको और स्मूथ करना चाहता हूँ, इसको मैं और स्मूथ करना चाहता हूँ। तो आप जो एक काम कर सकते हो, ये जो आपने ब्रिज कर्व बना है ना, ये वाला जो ब्रिज कर्व बना है, इसको आगे ले जाओ आप, ठीक है। आगे ले जाओ, लेकिन ज़्यादा आगे मत ले जाना, ज़्यादा आगे ले जाओगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, देखो ये इंटरसेक्ट हो गया, इसको काटना पड़ेगा, फिर आपको टीम लगाना पड़ेगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। ज़्यादा आगे ले जाओगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, पार्टिंग आपको ऊपर उठ जाएगा, ज़्यादा पार्टिंग ऊपर नहीं उठाना है आपको, ठीक है। ये भी पार्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है आपका पार्टिंग का। और अगर चाहते हो कि हाँ मुझे ये वाला फेस में ठीक करूँ, तो आप कर सकते हो। कैसे करना है चलो मैं आपको एक बार और एक बना के दिखा देता हूँ, बना के मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इतने को हटा दूँ, ठीक है। और अगेन मैं जैसे ये मेरा पार्टिंग है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मेरा ये वाला पार्टिंग है, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा, देखो मतलब दोनों को ऊपर उठाऊंगा पार्टिंग को। अब ऊपर उठाने के लिए मैं ये जुगाड़ तामझाम लगा रहा हूँ, इसको हटा दो, नहीं बताएगा यार इतने लेवल में कोई, किसके पास टाइम है, जो कंपनी वाला बंदा है उसके पास तो टाइम है नहीं, तो इस तरीके से आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कीप करके ओके कर देता हूँ मैं, अगेन सेम, सीख लो जल्दी जल्दी सारा चीजें, बहुत काम का, बहुत काम आएगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई कंपनी में करने वाला है बता बता सकते हैं आपको, ठीक है। अब देखो अब ये जो कार्व उठाना, अब ये कार्व को भी हटा दो आप, इसका भी काम हो गया मेरे पास। अब ये इसको देखो मैंने बनाने का रीजन क्या था, अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, इस कार्व को अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, मतलब पार्टिंग को ऊपर ले आ रहा हूँ, पार्टिंग को ऊपर ले आऊंगा ना, उतना मशीनिंग बचेगा, उतना आपका टाइम सेविंग होंगे, उतना आपका मेटेरियल बचेंगे, उतना आपका कोर स्ट्रांग होगा, उतना आपका केविटी स्ट्रांग होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको हल्का से ऊपर कर सकते हो ना, तो यहाँ पे भी इसको 0.5 करके देखो, लेकिन कम करोगे ना तो इसमें टेंजेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी चीजें एक तरीके से आपको देखना होगा कि मैं कितना लेना चाहिए, 1:1 इज सफिशियंट, 1:1 से ज्यादा मत जाओ। यहाँ पे मैं 0.75 का करके देखो, या यहाँ पे मैं 0.75 का करके देखो, देख लेते हैं, बाद में मैं सेंस भी कर सकता हूँ, मेरा अपने पास बहुत सारा तरीका है इसको करने का। देखो तब जैसे मैंने लास्ट लाइन को करा, फिर मैंने टीम उसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे टीम सीट करा, लाइन लिया, तो लाइन लेने से पहले मुझे एक काम कंकर लेना चाहिए था, इस फेस को, ये जो फेस है ना इसको मुझे स्प्लिट कर लेना चाहिए इस फेस के साथ, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, या नहीं तो मैं यहाँ पे एक कमांड और लगा सकता हूँ, इंटरसेक्शन कार्व नाम करके, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी इस फेस को मैं यहाँ पे सिंगल फेस सिलेक्ट करूंगा, इंजन नहीं, सिंगल डोर माउस, सिंगल 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 फेस, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एक कार्व आ गया, तो मेरे को यहाँ पे ब्रिज कार्व मुझे मिल गया, ठीक है।
देखो क्या तरीका सिखा रहा हूँ, ये कितना बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन कौन कर लेना, आगे याद रख, अगेन यहाँ पे लेंगे, फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, अब जितना भी कर्व था यहाँ आऊंगा, कंट्रोल डब्ल्यू करके जो भी कर्व होगा कर्व को हाइड कर दूंगा। ठीक है, हाइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक कर्व इसको सिलेक्ट करना है, एक कर्व इसको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन टेंजेंसी तो बिल्कुल लेना है, टेंजेंसी बिना आपका काम नहीं बनेगा। अब देखो आपका पहले से सरफेस और कितना अच्छा है, सही है, मजा आया। अपडेट डिस्प्ले देखो, अब पहले से और अच्छा बन गया आपका। अब जैसे ये आप बोलोगे सर इसमें हल्का सा ऐसा लग रहा है कि ये वेबसाइट है, इसको ठीक करना है ना, तो ब्रिज कार्ड में ठीक करो, ब्रिज कार्ड को इसको एक कर दो और स्मूथ बन जाएगा दोस्त। अब बताओ इस ऐसे आपको कोई करके दिखाएगा, कोई करके बताएगा ना, नहीं बताएगा यार, जो चीजें कर रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कंट्रोल डब्ल्यू कर दे रहा हूँ, कार्प को ले आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है, कार्प को लेयर पे डाल दूंगा। अच्छे से सीखो, बहुत कुछ चीजें सीखना है आपको। कंट्रोल एल लेयर को हाइड कर दो, डन हो गया, मजा आया। चीजें बंद करने में, चीजें सीखने में अच्छा लगता है, अच्छा चीजें सीखोगे ना, बहुत कुछ चीजें सीख पाते हो आप लोग। ठीक है, अब इसको काटूंगा फिर मैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इनको 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 फिर लेना है, लेने के बाद इधर पे जाके, ठीक है, पूरा जिसने वीडियो देखा ना तो बहुत कुछ चीजें उसने देखी है, उसको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गया। इंटरव्यू जाने से पहले मेरा ये वीडियो पर देख के चले जाना है, एज ए मोटिवेशनल वीडियो करके, क्लियर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, पार्टिंग का कोई भी केस देगा आप कर लोगे, इससे भी टॉप केस कराता हूँ मैं, इससे भी टॉप केस, वो भी सीखना है ना, वो भी सीख सकते हो आप। अब देखो शिव करना है सबको, जितना भी सरफेस है सबको शिव कर लेना है, इसको सबको शिव कर दिया बस। अब आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सबको, जीरो करके टेंशन कर दिया मैंने। अब मेरा सॉलिड बॉडी को मैं अभी यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब जितना भी मेरा यहाँ पे आर्टिकल था इसको मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे कार करके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं हाईलाइटेड कलर पे रखूंगा, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ पे इसको मैं येलो कलर पे रख दूंगा। तो येलो कलर पे आ गया मेरा, अब येलो कलर पे आ तो गया, लेकिन कहीं पे अगर मान लो हमने ये करा वो चीजें नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक बार आप बिल्कुल जाके देख लो, यहाँ पे मेरा कोई दिक्कत नहीं, जिस वाले सरफेस को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा मत ना, एक एमएम कर दो, एक एमएम कर दो, एक एमएम कर दो, एक तो कर सकते हो बस, एक एमएम कर दो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ शेरखानी नहीं करा था, यहाँ पे अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। लोग मैं अभी नहीं बना के दिखाऊंगा, गलती क्या होगा, वो चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ। अब चीजें ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ, अब गलती करके आपको दिखाऊंगा। थ्री मैन मेक कॉर्नर कर रहा हूँ, देखो अभी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो राजनाथ इंट्रा से कॉम्प्लीट, मतलब गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ है आपका। अब गड़बड़ को ठीक कैसे करेंगे, गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए। आप तरीका क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिक्कत कर रहा है ना आपको, अगर प्रॉब्लम लगे तो इसको एक बार के लिए हाइड करके इसको एक्सटेंड कर दो, ज्यादा नहीं, एक एमएम कर दो बस, एक एमएम सफिशियंट। मेनली ये जो रेडियस लगाते हो ना लास्ट लास्ट में, उसको तो कर ही दो, ये जो रेडियस लगाते हो ना लास्ट लास्ट में, इसको तो कर ही दो, एक एमएम तो कर सकते हो यार, ऐसे करके कर दो, हो गया बस। अब ले आओ सरफेस को कंट्रोल शिफ्ट के, अब हम ले आते हैं सरफेस को, ठीक है, ले आए, अब हम कर दो इसको येलो और येलो, हो गया हो गया। अब बताओ कितना बढ़िया तरीके से बना दिया मैंने आपको, कितना बढ़िया तरीके से सिखा दिया सारा चीजें, कौन सिखाएगा इतना बढ़िया से आपको, बताओ आ गया। अब ये मेरा सही बना है कि गलत बना है, इसको मुझे चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एनालिसिस में, एग्जाम इन ज्योमेट्री में जाएंगे, जाने के बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ठीक है यहाँ पे हम एनालाइज कर देंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, मैंने बताया आपको थोड़ा गलत करके दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होंगे यहाँ पे, क्यों दिखा रहा है ये जो है हमने वो बनाया था ना, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, अब पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये वाला भी इश्यू दिखा रहा है, यहाँ पे ये कोई निकल रहा होगा या कोई इंटरसेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा,
तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे को ठीक लग रहा है, कोई वो नहीं है। हम देखो सॉलिड बना के देखते हैं, अगर आपको जैसे मान लो सीयू आन सीयू करके देखना है तो भी देख सकते हो। देखो यहाँ से करना नहीं है, अपडेट कर देना है, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक कमांड मेरा यहाँ पे था, अब जो है इनको मैं क्या करूँगा, क्या करने के लिए बोला था मैंने लास्ट टाइम आपको, यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए बोला था ना आपको, पार्ट को चेंज करने के लिए। तो हम जो है यहाँ पे पार्ट को चेंज कर लेंगे। ये देखो ये हल्का सा रह गया, सिलेक्ट कर लो इसको भी। कितना एमएम बताया था, 5 mm प्लस में, 5 mm माइनस में, ठीक है। बस अब जो है आप इसको हाइड करके कॉम्पोनेंट को दिया। लिप्टर केस है, बहुत सीखने को मिलेगा ये केस में, लास्ट तक देखना पूरा। अब इसको हम करते हैं ट्रिम बॉडी, कट गया बस। अब इसको हटा दो, डिलीट बॉडी कर दो। अब ये जो येलो वाला एरिया है इसको किस में डालना है आपको, कोर में जाएगा ना। डन, ये हल्का सा रह गया मिनटो, मजा आया ना पूरा करने में। अब इसको देखो सॉलिड बनाऊंगा, कैसे सॉलिड बनाऊंगा, ये भी एक कला है। कभी कभी इतना पार्ट बड़ा बनाते हो ना, सॉलिड नहीं बनता है। अब देखो उस कला का कैसे काम करना है, सीखते जाओ आप लोग, बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा, सीखते जाओ बस। मिरर में जाऊंगा, मिरर मिरर सॉलिड बॉडी, यहाँ पे बॉडी को, यहाँ पे सॉलिड बॉडी कर रखा हूँ मैं, सॉलिड बॉडी को सॉलिड बॉडी मिरर कर लूंगा। और यहाँ पे जैसे मैं शीट बॉडी है तो मैं यहाँ पे अगेन शीट बॉडी भी लूंगा, ठीक है। दोनों मेरा मिरर हो गए यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी ट्रेस को ऑफ कर लेना, ये वाला को ऑफ कर लेना, ठीक है। इसको ऑन मत कर देना, इसको ऑफ कर लेना। ये ऑफ कर ऑन करोगे ना तो बहुत सारा कार्व वगैरह आ जाएंगे, कभी कभी मिरर करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो इसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है दोस्त, हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, फिर यूनिट कर देना है इसको, एक पार्ट ये पार्ट दोनों को यूनिट कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बना दिया है। आप देख रहे हो तो आप ही नहीं बनाया ना, मैं तो बस कमांड मार रहा हूँ। अब देखो हम सरफेस को ले आते हैं, ठीक है, इनको भी इश्यू कर लेना है। अब आपकी मेन चीजें यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इश्यू कर दिया। अब देखो एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, अब मैं कैसे बनाऊंगा यार, ये तो बहुत दिक्कत होगी मेरे को, तो इसके लिए क्या इलाज है, इसका भी इलाज है हमारे पास, तो आप बस देखते जाओ। प्रसाद का, ठीक है, प्रसाद से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो एक पार्ट बड़ा है कंपोनेंट की, एक पार्ट छोटा है, तो भाई गेट में भी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट की गेट बड़ा होगा तो एक कंपोनेंट की गेट छोटा होगा, तो उसी हिसाब से हमें काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। देखते जाओ किस तरीके से मैं काम करे जा रहा हूँ, और कहाँ कहाँ आपको कहाँ कहाँ किस काम में आपको काम चेंज करना पड़ेगा या और इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक ले आता हूँ मैं, कितना एमएम है, -235, ठीक है, परफेक्ट इक्वल हो गया। अगेन इधर भी ले आऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद कितना डालना है आपको, 235, डन, खत्म है। अब इसको ओके कर देते हैं, ये मेरे को पहले इक्वल कर लेना सब चीज़ें, एक्वल कर दिया। अब आपको ये देखना है कि इसमें वेव्स बहुत ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा नहीं वेव्स होना चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम करने के बाद यहाँ पे आपको कितना एमएम चाहिए, मेरा 30 mm का मैंने गैप रखा था, 30 mm का, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है टैप गेट लगाने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे -25 mm में कट करूँगा, 5 mm रख रहा हूँ, क्लियर है। अगेन इनको भी मैं उतना एमएम में काट करूँगा, कितना एमएम में, -25 mm में मेरे दोस्त, 25 mm में, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही है। हम इसको मिरर करके काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्रिज काप लूंगा, सॉलिड बना के आपको खत्म कर दूंगा पूरा मोल को, ठीक है। तो यहाँ तक देखो कितना एमएम हो गया, फिर अगेन यहाँ पे जाएंगे, फिर इधर पे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे थ्रू कब मैश में, मैं देखो यहाँ पे थ्रू कब मैश का यूज कर रहा हूँ, कभी कभी मैं अलग मैश का यूज कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, ऐड कर देते हैं, इनको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। फिर ये आपका, फिर ये ठीक है। ये कोई कोई लोग क्या करता है ना, एक डायरेक्शन में यूज करते हैं कभी कभी, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन जी वन इधर, ये देखो, अब मैं यहाँ पे मुझे रिलीफ एरिया बनाना पड़ेगा। अब मेरा रिलीफ एरिया क्या होता है, देखो ना कितना स्मूथ बन गया मेरे दोस्त, कितना बढ़िया बना दिया, ये पूरा रिलीफ एरिया बनाऊंगा। इतना रिलीफ एरिया क्या होता है समझाऊंगा आगे, ध्यान से देखो, बहुत कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख के आपको कोई आए नहीं बोल सकता कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करा हूँ, है ना, एक एक चीजें मैंने आपको बताया हूँ, तो ध्यान से सारा चीजें समझ लो। कुछ चीजें में दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार नहीं 10 बार समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारा चीजें आपका आ गया है, तो सेव हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब जितना भी मेरा कार्व्स है, अब मैं कार्व को हटा दूंगा, इसकी पूरा केस कराऊंगा। अगर आप लोग सही रेस्पॉन्स देते हो ना, तो पूरा केस कराऊंगा। क्या होता है, कुछ कुछ वीडियो में अगर सही से रेस्पॉन्स आता है तो पूरा केस करा देता हूँ, अगर कहीं पर रेस्पॉन्स कम आता है तो कम कराता हूँ। और मेरे पास टाइम का भी कमी है दोस्त, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट ऑलरेडी पेड है, जो ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, पहले तो मैं प्रेफरेंस उसको ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने कोर्स ऑलरेडी पे करके रखा है, तो उसका तो मैं प्रॉपर टाइम दूंगा ना। तो इसीलिए यूट्यूब में आजकल कम वीडियो डाल पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए टाइम सही से निकाल पाओ, आप लोग के लिए अच्छा अच्छा मैं वीडियो बना पाऊँ या डाल पाऊँ मैं वीडियो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मुझे हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मेटेरियल को बढ़ा देते हैं हल्का हल्का सा, ठीक है। अब जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, साइड में कोई दिक्कत नहीं है, 50 नहीं बढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 50 नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है तो कम बढ़ा दो, कोई बात नहीं। 50 की जगह हम इसको 20 का निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर भी हम इसके 50 की जगह 20 को निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंसर्ट मोल्डिंग से बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे एक स्केच लेंगे दोस्त, हाँ जो है सावन महीना खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं भी सुबह सुबह जो है पूजा पाठ करके आ गया हूँ, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, इसलिए मैं अलग से आपको वीडियो बहुत बढ़िया से लेके वीडियो भी बना दिया। तो यहाँ पे देखो 300 365 है, ठीक है। तो इसको मैं 350 अगर कर दूँ, 350 कर दूँ, और इधर से मैं 350x2 कर देता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये इसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंसर्ट भी बनाना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 360 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 360x2 कर देता हूँ, परफेक्ट। अब अगेन हम इसमें आते हैं, अब इसका हम सीन देखते हैं क्या सीन है। ये 700 mm में बहुत कम है, पहली बात तो 700 mm की जगह इसको हम 430 के अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, 430, ठीक है, 430 के अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं। और अगेन हम इसको 430x2 करके अगर देखें तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, तो यहाँ पे हम इसको 460 करके देखें तो, और यहाँ पे हम 460x2 कर देते हैं, आई थिंक दिस इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा बन गया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहले क्या बनाए बताओ आप, पहले कोर बना दे, तो पहले आपके लिए कोर बना देते हैं, सॉलिड में लूंगा यहाँ पे। देखो इस तरीके से आप बनाने लग जाओगे, आपको टाइम बहुत ज़रा लग सकता है, तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका लेके आए हैं जिंदगी में किस तरीके से आप बना सकते हो। मेरा स्टूडेंट जो है इसको पता ही है किस तरीके से कहाँ पे कौन सा तरीका यूज करना है ना, ठीक है। कोर बनाना है पहले आपको, परफेक्ट। अब इसको हटा दो आप, अनब्लेंड कर देते हैं, बन गया आपकी ये चीजें। इंसर्ट बनाना है पहले, मैंने आपको बताया था, उनके बाद हम यहाँ पे बाउंडेड लगाएंगे, ठीक है, डन। पूरा मोल्ड कराऊंगा, ध्यान से देखना, एक एक चीजें बना के आपको भी दिखाना है। अब ओके कर देता हूँ, देखो सॉलिड बन गया ना, नहीं बना क्या सॉलिड, देख लो सॉलिड बना ना, बन गया ना, एक बार में बन जाएगा, कितना भी टिपिकल पार्ट दे दो मुझे आप,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे किस तरीके से सॉलिडिटी बनता है, कहीं पे प्रॉब्लम भी आएगा ना, ये भी पता लग जाएगा मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बहुत कुछ चीजें आपको सीखना है, बहुत कुछ चीजें आपको देखना है, बहुत कुछ जिंदगी में आपको करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली मेरा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक जगह में, चलो रेडियस हम बाद में मान लेते हैं, आपको एक काम कर लेता हूँ मैं, मुझे क्या बनाना है, बटिंग एरिया डिफाइन करना है, क्योंकि इतना mm इतना बड़ा है, यहाँ पे बोलनोस लाऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो मुझे प्रॉपर इसकी बटिंग एरिया डिफाइन करना है, मेरे को इतना ही बटिंग एरिया चाहिए, क्योंकि पूरा एरिया मशीनिंग करूंगा तो बहुत घंटे में घंटे लग जाएगा, 5 से घंटे लग जाएगा अगर पूरा मैं मशीनिंग करूंगा। तो मेन मेरा जो बटिंग एरिया है उसको मशीनिंग करना है, और बाकी को एरिया को मुझे हटा देना है, समझ में आए ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक स्केच ले रहा हूँ, ठीक है। अब स्केच में मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ये देखो आप क्या मैं लेने जा रहा हूँ, स्टूडियो प्लेन, ठीक है। स्टूडियो प्लेन में मैंने एक बटिंग इधर डालूंगा, एक बटिंग इधर डालूंगा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऐसा कर लूंगा, ठीक है, और एक मैं ऐसे कर लूंगा। तो ये मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा एक बटिंग एरिया बन जाएगा। अब इसको हम डाइमेंशनिंग करेंगे, ऐसे तो हवा में कुछ भी नहीं बनाएंगे ना। अब यहाँ पे इसकी ये समझ लो भाई, ये आपकी मशीनिंग बता देंगे, इस तरीके से बना हुआ है ना, तो समझ लो बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हो। 190 mm कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट का भी यूज करके आप कर सकते हो। लेट्स से मैं इसकी और इसकी यूकेल करना चाहता हूँ तो कॉन्स्टेंट का भी यूज कर सकते हो, सॉरी उल्टा वाला कॉन्स्टेंट ले लिया, कंट्रोल सी। मैं अगर चाहता हूँ ये फेस और मेरा ये फेस सेम रहा, मैं उससे भी ये कर सकता हूँ, यूकेल डिस्टेंस में ले आए। अब जैसे इसका डिस्टेंस है और इधर से मैं सेम डिस्टेंस रखना चाहता हूँ, इसका तो मेरा हाइट सेम हो गया। अब इनके डिस्टेंस और इनके डिस्टेंस में देखना चाहूँ, ये सेम रख लेना क्योंकि ये सेम पार्ट है ना, तो आपको सेम तो रखना पड़ेगा ना। इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन इसको मैं जैसे ये वाला लाइन है इसको 400 तो करना पड़ेगा आपको, ये और ये लाइन 404 है, तो इसको हम 400 कर देंगे, ठीक है। तो ये एरिया मेरा कटआउट हो जाएगा, और ऐसे भी कटआउट भी नहीं करना है, किस तरीके से कटआउट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। अब इनको अगर मैं मिरर मार दूं, वैसे तो अलग अलग कंपोनेंट है तो मिरर तो मेरे हिसाब से होगा नहीं इसे, ठीक है, इतना एरिया मेरे लिए सफिशियंट है, ओके। और ये इतना ले लेता हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मेन बाटिंग एरिया इतना एरिया है, इतना मेरा बाटिंग में नहीं होगा, ठीक है। अगर बाटिंग में रखना है तो रख सकते हो, नहीं कभी करना है तो इसको हटा सकते हो। अब मैं देखो, अब मैं इनकी ये बनाने जा रहा हूँ, 1, 2, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो ना, ये एरिया जो है आपका बटिंग में रहेगा, जितना एरिया बटिंग में रहेगा, और जो बटिंग में नहीं रहेगा वो हट जाएगा। समझ में आए, तो ये एरिया आपका कट जाएगा पहली बार, इतना एमएम एरिया कट जाएगा। मैं इसको मिरर कर दूंगा सिमिलरली, देखते जाओ आप क्या, मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या रीजन है इसको करने का, आप बहुत कुछ चीजें सीखने को आपको आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कर देना है, फिर फैक्टर दे देना है आपको, फैक्टर मेरा रिवर्स डायरेक्शन फैक्टर होंगे, तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अगेन मैं इनको भी सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा जो ये कर्व है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फेस को भी सिलेक्ट कर लूंगा, जहां जहां टच हो रहा तो इंडिविजुअली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर है। फिर आपको ये वाला फेस भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये वाला फेस में भी आपको बनने वाला है, ठीक है। ये मजा आएगा आपको काम करने में इस तरीके से, ये कोई छोटी मोटी कंपनी के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो आप सीख रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। आप लोग और सीखो और मेहनत करो और नाम कमाइए आप लोग, ठीक है।
मेरे पास ऐसे बहुत फोन आता है कि सर आपका फिजियो देख के मेरा इंटरव्यू हो गया है, आपके बताइए क्या गिफ्ट में भेज दूँ। ठीक है, अच्छा लगता है कोई लोग किसी का अगर अच्छा होता है तो। कभी कभी कोई लोग बोलता है यार ये सारा फाइल नहीं दे रहे हो, कुछ ये होता है फाइल वगैरह जो मैं सॉरी शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब में हर चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ ना। अब जैसे ये वाला लाइन है आपका, ये जो कार्व है आपका प्रोजेक्ट कर देता हूँ जैसे ही, ठीक है यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कर भी है कार्व है। ठीक है, इस कार्व को सिलेक्ट करने के लिए वो इसको सिलेक्ट कर लो और ये और ये, अब 71 ऊपर वाला होगा क्योंकि ये इस तरीके से आएगा परफेक्ट। अब मेरे को ये कार्व जो है इसको मैं हाइड कर दूंगा, लेयर पे डाल दूंगा ये सब चीज़ें 100। ठीक है, अब मेरा ये देखो ये मेरा इतना एरिया मेरा बाटिंग एरिया बन जाएगा, बाकी मेरा मशीनिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसमें मैं कुछ लगाऊंगा इसीलिए मैं बना रखा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मोल विजार्ड में जाने की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं कर्व सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे फेस सिलेक्ट करना है, तो फेस में मैं यहाँ पे टेंजेंट ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको टेंजेंट। ठीक है, ये भी टेंजेंट ले लेता हूँ। ठीक है, कर्व में यहाँ पे सिंगल कर्व की जगह मैं कंटिन्यू कर्व ले लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू, तो ये कार्व पूरा कंटिन्यू सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कंटिन्यू सिलेक्ट कर लेना है आपको, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ये आपका। तो ये एक स्प्लिट हो गया ये वाले फेस को। ठीक है, अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँ कंटिन्यू करके तो ये कंटिन्यू सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना सिलेक्ट, फेस तो पूरा सिलेक्ट हो रखा हो। लेकिन मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू है तो एक बार में कंटिन्यू सिलेक्ट हो जाएगा। सीखते जाओ, सीखते जाओ, ये सब चीज़ें आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ओके कर देते हैं इसको, हो गया स्प्लिट, हो गया ना। अब कार को हटा दो आप सीधा, अब जो आपकी कार है ना, अब कार को हटा दो आप, जो आपकी कार है अब कार को आप हटा दो। ये मेरा जो कार है ना, इस कार को हटा देता हूँ मैं। देखो कोई लोग इसको 90 में रख देगा, लेकिन 90 में रख दूंगा ना वो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, इस फेस को जाके आपको थिकन कर देना है। अब थिकन करूंगा ना, देखो बॉडी फेस ही लिखो गया, सेकंड सिंगल फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, इसीलिए टेंजेंट होना जरूरी है, इसीलिए टेंजेंट होना जरूरी है आपका। ठीक है, जिसने देख लिया ना बहुत कुछ देख लिया, और जिसने मिस कर लिया बहुत कुछ चीजें मिस कर लिया। देखो ऐसे जूम करके देख लो बहुत सही गया कि नहीं, आ गया ना। अगेन आपको इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, ये एक बार में सब नहीं होगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 0.5 का कराउट, आप कन्फ्यूजन ना होना। 1 mm का भी करना है तो 1 mm भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर देना, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं 0.5 रख रहा हूँ, 0.5 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मेन बाटिंग एरिया है, बाटिंग एरिया को मैं अलग कलर पे हाईलाइट करूँगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रुको, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना कोई एक दिन का खेल नहीं है, आप चीज़ें प्रैक्टिस करो बढ़िया से। इसको अगर एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप मेरा नंबर कॉन्टेक्ट में डाल है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा, 0.5 है, ज़्यादा नहीं है, सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 खत्म, 0.5 खत्म है। देखो ये मेरा सबट्रैक्ट हो गया, इधर से हो गया ना। अब देखो इसको आप हाइड कर दो, सॉलिड बॉडी ले लो, सॉलिड बॉडी में काम करेंगे। अब जो आपकी बाटिंग एरिया है वो हाइलाइटेड फेस है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जे कर लेना है, यहाँ पे फेस लेना है। ठीक है, फेस लेने के बाद जो मेरा बाटिंग एरिया है, जिसको मैं बाटिंग एरिया सिलेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है, उसको मैं अलग कलर पे हाईलाइट कर दूंगा। जैसे ये वाला कलर है, मान लो ये वाला कलर है, ये मेरा क्या है, नॉन ऑब्जेक्ट कलर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे, जैसे मेरा कलर है, इसको मैं मान लो मेरा बाटिंग पे नहीं है, मैं इस कलर को बाटिंग एरिया रखना चाहता हूँ, तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसको। अभी रुको, अभी और काम है, अभी मैं पहले इसको खत्म कर लेते हैं।
अब देखो मैं इधर पे आपके लिए एक चीज और बना देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या है, लोकेटर लगाना है, टेपल लोकेटर लगाना है, ठीक है, या इंटरलॉक लगाना है, तो यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट के लिए यहाँ पे देखो कमजोर हो गया, यहाँ पे स्किल कम है और यहाँ पे स्किल ज्यादा है, तो स्किल जहाँ पे ज्यादा है उसको हम इंटरलॉक माइनस में रखेंगे और जहाँ पे कम है उसमें हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक ये बना लेता हूँ। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए, ये W चाहिए, W को ले आता, WCS को ले आना है, W दबा के WCS ले सकते हो। अब देखो दोस्त यहाँ पे जैसे ये मैंने बनाया, अब ये कितना मोटा होना चाहिए, एटलीस्ट मैं इसको तो यार 65 mm तो रखूँगा ना, और यहाँ पे जैसे मैंने बना रखा है इसको मैं 120 mm तो एटलीस्ट रखूँगा, है ना। अब बात होती है इसके सेंटर की, अब सेंटर जो है इससे सेंटर बनेगा, तो मैं अगर जीरो कर दूँ तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पॉइंट ले रखा है तो यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को हटा देता हूँ तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा आपको रेडियस लगाना है, अब रेडियस बाद में ये हट जाएगा दोस्त, ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये रेडियस लगाओगे ना ये रेडियस बाद में आपका हट जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 120 है तो इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो आपका कॉन्स्टेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है पॉइंटों में, अच्छा इसको अब जो है सेंटर से पॉइंट पे मत रखना, बस जैसे 13 समथिंग है तो इसको आप 14 कर दो, लाइक इस तरीके से कर देता, और यहाँ पे हम हल्का सा फिलेट लगा लेंगे, जैसे मैं 20 का लगा दूंगा, 20 का जैसे यहाँ पे कम आ जा रहा है, 20 के सेक्टर में कम आ रहा है ना, और देखो यहाँ पे गैप बन जा रहा है, इसको और इसको जीरो करना है, ठीक है, जीरो कर दो। यहाँ पे जैसे हमने 20 का लगाया है, 20 का बहुत कम है तो इसको आपको ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो लेंथ है इस लेंथ को कम करना पड़ेगा, जैसे 100 mm इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि इसके दोनों के बीच में गैप कम है। अब यहाँ पे मैं 20 के जगह में मैं इसमें मान लो 30 कर देता हूँ ना, तो 30 में मेरे हिसाब से ठीक है, ज्यादा कम ज्यादा रेडियस लोगे ना तो आपके लिए दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि फिर बटिंग एरिया कम हो जाएगा, इसकी मैचिंग एरिया कम हो जाएगा, तो आप जो है यहाँ पे 25 से ऊपर नहीं जाऊंगा, 25 ही रख रहा हूँ, ठीक है, 25 से ऊपर मैं भी नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ उसको मिरर, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, आप देखते जाओ बस, ठीक है, 65 को हटा दो और ये जो है 260 का कर दो रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब जैसे आपका ये कोर है ये बहुत मोटा है कोर, इतना तो मैं मेटल तो दे नहीं सकता हूँ ना, मेरा मेटल बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, मैं नीचे से इसको कम कर दे रहा हूँ, नीचे से मैं कम कर दूंगा इसको, ऑफसेट में जाऊंगा, वीडियो लंबा बन जा रहा है लेकिन सीखने को तो बहुत मिलेगा आपको, मैं ये इसकी चीज का गारंटी दूंगा आपको, -50 mm कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब ठीक है, अब इसको हम काम करेंगे, अब रुको आप टेंशन ना लो, इस एरिया में हमको क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा। अब इतना एरिया तो मेरा हो गया, अब यहाँ पे हम रेडियस मारेंगे, अब पॉजिटिव में नहीं मारेंगे तो निगेटिव में मारेंगे, ठीक है, तीन का एरिया। अब आपने जो यहाँ पे रेडियस डाले थे ना, यहाँ पे जो आपने ऑफसेट मिलने से पहले जो आपने रेडियस डाला था, अब रेडियस तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके हम रिसाइज ब्लेन में जाएंगे, इसको हम कर लेते हैं 15 का, क्योंकि मेटल अच्छे से रखना है आपको, 15 बहुत होता है, 30 का सर्दा का, तब जाके इसको हम ड्राफ्ट को ऐड कर लेते हैं। अब देखो पार्ट से कितना दूर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर तो चल जाएगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी बैटिंग एरिया में है। अब अगर आप हल्का सा रेडियस यूज करना है तो आप रेडियस का भी यूज कर सकते हो, मैं ड्राफ्ट जैसे कितने का डाला, मैं 6 का ड्राफ्ट डाल देता हूँ, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 का ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको 3 का ही रखूँगा, 5 का रखूँगा तो या 4 का रखूँगा, 4 का रख देता हूँ मैं। अब जैसे ये वाला रेडियस है इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, अपना रेडियस डालूंगा अभी मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे मजा आएगा दोस्त, आप सीखते जाओ बस,
एमएम का टूल दूंगा, रेडियस दूंगा तो कितना बनेगा, या मैं 12 का दूंगा तो कितना बनेगा। अब ये प्रॉपर रेडियस है आपका, 12 का दिया हूँ, 12 में देख लो, बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट कर दो इसको, बेहिजक यूनिट कर दो। अब देखो ये स्टैंड बन के आएगा एक तरीके से। अब ये इतना हाइट में हो गया ना, इसको इतना हाइट में नहीं लेना है, बेसिकली ये इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस इतना ऊपर तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि देना भी हो तो दे सकता हूँ, रेडियस बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप कम है तो मुझे कम ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियस देंगे, अभी रेडियस नहीं देंगे, अभी रेडियस दूंगा तो ये दिक्कत आएगी, मेरा क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में टॉलरेंस देना है, लिप देना है, तो वो चीज़ें अभी नहीं दे सकता हूँ मैं, राइट। तो इसको मुझे बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉकिंग का काम करेगा, क्योंकि लॉकिंग में आपको दिक्कत नहीं होने देगा। अब हम बाहर वाला बनाते हैं, ठीक। अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, कितना एमएम है ये, 50 एमएम, ठीक है, 50 एमएम कर दिया मैंने, चलो ठीक है, मिरर कर देते हैं इसको, मिरर कर, ड्रॉप बप आ जाएगा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली साइज चेंज हो जाएगा आपका, तो ऐसे लोड लेना ही नहीं है, कितने एमएम है यहाँ से डाल दो, ठीक है, मैं इसको 0 कर दूँ तो फिर जाके मैं वैल्यू डाल देता हूँ 200 का, ठीक है, 400, ठीक है दोस्त। तो मुझे ये वाला पोर्शन काटना है, बेसिकली यहाँ पे इतना पोर्शन काटना है, तो मुझे 200 करूँगा तो मुझे और ज़्यादा होगा जाएगा, तो इसको मैं डाउन करना पड़ेगा, -20 mm मैं डाउन कर देगा, समझ में आ रहा है ना, इसको डाउन करूँगा तो इनको भी डाउन करना पड़ेगा, 20 mm डाउन कर देगा, दोनों का पार्टिंग इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको ड्राफ्ट देना है तो मैं इसकी ड्राफ्ट जो है ऊपर से लूँगा, नेगेटिव में लूँगा, ठीक है, तो मैं ड्राप दूंगा इसमें नेगेटिव में, तो ये 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 ये, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, परफेक्ट। हमने उसमें भी 3 का ही ड्राप डाला था, आपको इसमें सबट्रैक्ट कर देना है, और आपको कितने का हमने ये डाला था, 12 mm का डाला था। आपको लग रहा है नहीं बहुत हल्का हो गया, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, अब से कर दो, जैसे मैंने 50 का लिया था तो हम इसको 15 mm बना रहे, मेरे पास बहुत जगह है, आप बढ़ा लो ना, आराम से बढ़ा लो, परफेक्ट। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर पे, इसको हटा दो, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे लो और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट दोस्त, इंटरसेक्शन नहीं, ये जाके इसको ओके कर दो, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से बनेगा आपका, अब इसके बारे में हम काम करेंगे, पहले आप देखो मैं किस तरीके से मुझे बनाना है, ये मेरा तरीका एक तरीके से बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बढ़ा सकते हो हल्का सा तो बढ़ा के आप देख सकते हो, लेकिन जगह नहीं है, हम इसको नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा इसको। तो दोस्तों अभी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो पार्ट में जाएंगे, ऐड कर लेना इसको, यहाँ से हम पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पार्ट मेरा यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, केवीजी का इम्प्रेशन आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा केवीजी का इम्प्रेशन आ जाएगा। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्त, शेयर करने वाली बात क्या है, मतलब क्या चीज आपको देखना है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट हो जाए पहले, जब मैं खुद से बनाऊंगा तो ज्यादा जल्दी बन जाता है, और मान लो बांट करके बनाता हूँ तो टाइम लग जाता है ना। अब जैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, अब इसको मैं कलर पे कर दूंगा, अब ये वाला जो मेरा कलर होगा इस कलर पे मैं रख दूंगा, तो ये मेरा कोर का इंप्रेशन है, ठीक है।
अब जैसे मैं यहाँ पे फेस लूंगा, फेस लेने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करके सिलेक्ट करूंगा फेस, ठीक है, या आपको जो भी फेस सिलेक्ट करना है, ये वाला मेरा फेस मान लो मेरा काम का है, जैसे ये मेरा फेस का काम का है, ठीक है, तो ये वाला जो फेस है आपका, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, प्लीज सुनने की कोशिश करना, चलो इसको बाद में बताते हैं क्योंकि मुझे बाद में ये वाला एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताऊंगा आपको। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ से हम इसको कोर बना लेते हैं, जीरो कर दो, ठीक है। अब देखो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ये 200 नहीं, इसमें 400 कर दूंगा मैं, 400 में कितना बड़ा हो जा रहा है एक बार देख लेते हैं हम, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको मैं 350 सफिशियंट है, 350 में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सप्रेक कर देंगे, इससे इसको सप्रेक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये सप्रेक हो गया, आपका कोर का इंप्रेशन आ गया। अब कोर का इंप्रेशन आ गया, अच्छी बात है, आपकी कोर की जो है इंप्रेशन आ गया है, और लेकिन ये कभी भी 0-0 नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको ये जो सरफेस है इनको -1 mm डाउन कर देना है आपको, क्योंकि 0-0 बैटिंग नहीं होता, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, ये इतना शार्प एज तो कभी भी नहीं होगा, मेरे दोस्त शार्प एज तो कभी भी नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एज को आपको काटना पड़ेगा, इस एज को काटना पड़ेगा, काट के इसमें हम कोर पे ऐड करेंगे, उससे पहले हम कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोर से, कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, जाने के बाद कंपोनेंट को कोर से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, केबीडी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉरी कोर तो हो गया अपना, केबीडी से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। आप प्रीव्यू को ऑफ करके भी काम कर सकते हो, आपका जल्दी होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए ऑन करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या कर रहा हूँ, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए, तो मैं अपने आप से करूँगा तो वो चीज़ें करूँगा नहीं, ठीक है, ओके कर देते हैं। डन हो गया ना। अब देखो दोस्तों, अब तो आपका काम ये हो गया, अब साइज वगैरह आपको डिसाइड करना है कि साइज मुझे कितना लेना है। अब मान लो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ, अब ऐसे डिस्टेंस में स्प्लिट करूँगा, है ना, स्पेस मेरा 90 वाला फेज है, अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ये पहले हम देखें, तो इतना एरिया नहीं, और नीचे लाऊंगा क्योंकि ये इतना एरिया से और अब, हाँ इतना एरिया ठीक है क्योंकि मुझे साइज बनाना पड़ेगा आपका, तो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका किसी काम का नहीं है, इतना तो बाटिंग देना पड़ेगा ना, इतना कम लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो आपको ये साइज बनाना पड़ेगा साइड में, देखो अभी बहुत कुछ चीजें है, अभी आप देखते जाओ, पूरा डाइव बना के आपको मैं दिखाऊंगा। मैं मान लो 20 mm पर साइड लेना चाह रहा हूँ, तो 20 mm जो है नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है मेरे पास, जैसे ये वाला एरिया है, हम इसको अब ऐड कर सकते हैं, ऐड ये सप्रे हो रहा है, ऐड करना है, चलो हो गया ऐड आपका, एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड आ जाएगा, और इसको हम ऐड कर लेंगे बाहर की तरफ, मैं पहले इसमें चले जाता हूँ। अब इसके जाने के बाद आपको ये देखना है, मेरे को यहाँ पे रेडियस डालना है, ड्राफ्ट तो मेरे पास है लेकिन ये एरिया कम है, इसको मुझे उठाना पड़ेगा, ये जो स्ट्रेंथ है ना, इसको स्टैंड देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको उठाऊंगा, और जैसे मैं 20 mm उठाऊंगा, 20 mm मुझे कम लग रहा है, और उठा सकता हूँ मैं 20 mm, इसको उठाऊंगा ना, तो ये वाला 20 mm आपको अंदर चला जाएगा, और अभी ये काम आएगा, अभी इसको आप अभी के लिए हाइड कर दो, -10, ठीक है आ गया। अब जैसे मेरा यहाँ पे मैं रेडियस मारूंगा, यहाँ पे मैं रेडियस डालूंगा, राइट, ये मैं रेडियस डाल रहा हूँ कितने का, मान लो मैं यहाँ पे 12 का डाल रहा हूँ, 10 का डाल रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं 10 का डाल रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे भी मैं 10 का डालूंगा, फिर ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 का डाल रहा हूँ, ये एक तरीके से प्रॉब्लम दिखा रहा है कि हमने इसकी स्टेप बना रखा है पहले, अगर मैं स्टेप को अभी बनाऊंगा ना तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा,
जैसे मैंने ये सबट्रैक्ट करके डाला है, कौन सा वाला सबट्रैक्ट था, ये सबट्रैक्ट करके रखो, अभी के लिए मैं इसको सबप्रेस कर देता हूँ, लास्ट में करूंगा इसको, अभी सबप्रेस कर दे रहा हूँ, वो कमांड हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि फिर मेरे को रेडियस बनने में यहाँ पे स्टेप बन के आएगा, तो रेडियस मेरा स्टेप में बन जाएगा, वो चीजें सही नहीं है, वो हम लास्ट में करते हैं, पहले इसको होने देते हैं। ठीक है, सबप्रेस कर दूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेट होने में टाइम लगेगा, पार्टिंग एरिया ये करना जरूरी है आपको वैसे। और यहाँ पे जैसे मैंने इसको सबप्रेस मतलब प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट किया था, तो सबट्रैक्ट करने वाला जो सबट्रैक्ट किया था हमने एक्सक्लूड वाला, ये कोई बात नहीं, कौन सा एक्सक्लूड बना हट गया है, एरर आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने ये करके रखा, अब ये यहाँ जो है ना, इनको भी तो कंपोनेंट है, तो ये जो हमने सबट्रैक्ट करा था ना, ये वाला जो सबट्रैक्ट करा था, इसको भी कलर पे डालना तो जरूरी है आपको, मेक फीचर्स कलर। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद लेट्स से मैं ये वाला ले रहा हूँ, ऑरेंज ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन आ गया, अब इस पर चलते हैं पहले। अब देखो ये हट गया, अब मुझे रेडियस लगाने में एकदम इजी होगा मेरे लिए। कितने का रेडियस लगाऊंगा, 10 का लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 9 का लगाऊंगा, उधर 10 में लगाऊंगा, यहाँ 9 होगा तो उधर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यार इधर कितना हो जाएगा, इधर 10 होगा तो उधर 9 हो जाएगा, इधर 10 होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट भी, तो इधर कितने का लगाना है, 10 का लगाना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकालना है, तो यहाँ पे आपको 10 का यूज करना है। ठीक है, 10 का यूज कर लिया आपने, और इसके लिए मैं कितने का बोला था आपको, यहाँ पे आपको 9 का लगाना है, तो ये माइनस होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा तो आराम से दोनों बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये गैप कम है लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सफिशियंट है। ठीक है, तो ये मेरा इधर बैठ गया आराम से। अब आपको यहाँ पे रेडियस डालना है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस डालना है आपको। अब ये जो रेडियस डालोगे, कलर तो चेंज करना है, ये चीजें आ गया तो इसको हटा दूंगा मैं। यहाँ पे मेरे को रेडियस डालना है, क्योंकि ये एरिया में मेरे को रेडियस चाहिए। यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे कितने का, 8 का। यहाँ पे 8 का डालूंगा, वहां पे आपको कितना डालना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे मैं 6 का डाल रहा हूँ, 6 का रेडियस। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 का रेडियस डाल दिया। देखो इस वाले जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, अगर मैं इसमें डालूंगा या नहीं डालूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाले को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, अभी हटा दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया रेडियस, यहाँ पे डाल दे, इसमें ना डालो आप, कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया। अब बी करने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा, इस एरिया में डालना होगा, तो इस एरिया में जैसे हमने कितने का डाला था, 6 का। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 6 का डाल दिया। अब मैं रिलीफ दूंगा, अब ये जो रेडियस है ना, इसका जरूरत नहीं है, हटा दो इसको, चैम्पर हल्का सा चैम्पर डाल सकते हो। अब पहले जो है ना, अब सारा को ले आओ, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दो, करने के बाद देखो यहाँ पे रिलीफ है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे रिलीफ है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे गैप है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे गैप नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको गैप लेना पड़ेगा, माइनस 1 mm का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो एंट्री चैम्फर दे सकते हो, 2 mm का एंट्री चैम्फर दे रहा हूँ, चलो मैं 2 mm का एंट्री चैम्फर दे रहा हूँ बस, कंट्रोल बी, इसमें अगर देना है एंट्री चैम्फर तो आप दे सकते हो। ठीक है, 2 mm का हमने एंट्री चैम्फर दे दिया। अब दोस्तों एक तरीके से आपका ये हो गया है। अब जैसे ये जो है आपका बाटिंग में था, इसको मुझे नहीं चाहिए है ना, अब ये मुझे काटना है, तो यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो सबट्रैक्ट कर दिया, अब देखो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से ये मेरा क्या होगा, मशीनिंग में राफ मशीनिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे फिनिशिंग मशीनिंग करना पड़ेगा, एक मेरा वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये लास्ट में कर लेना आप, ये सबसे लास्ट में कर लेना, और इसको मैं अगर हाइट कर दूँ तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये लास्ट में आप कर सकते हो। सिखाने का मतलब ये है, रिलीफ डालना पड़ता है आपको हर जगह, सॉलिड बॉडी कर लो।
ठीक है, तो अब लास्ट में उसको डालना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ मैं, आप देखोगे एक बार ध्यान से, इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये बन के आ गया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ देंगे, देने के लिए यहाँ पे रेडियस देंगे, मान लो मैं 10 का रेडियस दूंगा या 15 का रेडियस दूंगा। और जैसे हमने इसको स्प्लिट करा, कौन सा ये वाला स्प्लिट था, तो स्प्लिट कितना mm करा हमने, 110 mm, है ना। तो इसको मैं अगर मान लो कम कर दूँ तो जैसे 105 mm कर दूँ तो मेरा क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। 5 mm में कुछ अगर इम्पेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इम्पेक्ट पड़ रहा है क्योंकि 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम जो है ये रिलीफ डाल लेंगे इसमें, ठीक है। एक कंपोनेंट छोटा है, जब इसकी गेट कराऊंगा और सीखने को आपको मिलेंगे। और कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूं मैं, बी करने के बाद जो ये रेडियस है, अब इस रेडियस को हम क्या करेंगे, जैसे उसमें 10 का डाला था तो इसमें मैं 12 का डाल दूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों मैच नहीं होना चाहिए, दोनों रेडियस मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हो गया आपका सारा चीजें। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करा है कहाँ पे गया है, सब्ट्रैक्ट को हटा दे रहा हूँ, नहीं सही अभी के लिए, ठीक है। अब आपको ज्वाइन कर देना है, तो यह कमांड है ज्वाइन फेस करके, ठीक है, इससे सीख लो ये भी, ज्वाइन फेस, ज्वाइन फेस, बस खत्म, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू, इनको भी सिलेक्ट करके खत्म कर दो बस, नो मार्जेबल। देखो यहाँ पे कितना स्मूथ हो गया, मजा आया ना इस तरीके से बनाना है आपको। तरीका मैंने पूरा बता दिया आपको, इस तरीके से बनाओगे देखो कितना बढ़िया आपका पार्टिंग बन गया है। यहाँ पे आपको 4KBD में फ्लैश आने का चांस कम है, गेट बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, सारा चीजें आपको बना के दिखाऊंगा, सारा चीजें आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ये अगर रेस्पॉन्स सही आता है तो सब बनाएंगे। अब जैसे मेरा मोल्ड है, अब मेरा इंसर्ट में बनने वाला है, तो मैं इंसर्ट में बनाऊंगा तो एक जगह मैं रेडियस यूज करूंगा, ठीक है, तो एक जगह मैं रेडियस यूज करूंगा, तो रेडियस में एटलीस्ट 25 का यूज करूंगा, ठीक है। मैं सबको ले लेता हूँ, 25 यूज कर रहा हूँ तो सभी फेस को ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ और ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। और एक जगह मैं चैम्फर का यूज करूंगा, लाइक मैं दिस वे आई एम यूजिंग चैम्फर, तो मैं यहाँ पे फेस का चैम्फर डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डालने की बात हल्का सा मैं रेडियस का यूज कर दे रहा हूँ, 6 का रेडियस यूज कर दूंगा मैं, 6 का बहुत छोटा है, ठीक है। तो आप देखो आपका जो है एक तरीके से बन के आ गया है चैम्फर के साथ, तो ये इंसर्ट का प्रॉपर है। अब देखो इतना बड़ा इंसर्ट है, इसमें इतना तो टाइट फिट तो नहीं रहेगा ना, कुछ तो आपको लूज फिट वगैरह रखना पड़ेगा, इतना बड़ा इंसर्ट तो बनेगा नहीं, दिक्कत ही आएगी। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद मैं यहाँ पे टेंजेंट कर लेना, इसको बता दो टेंजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे 2 साइड ऑफसेट रखूंगा और 30 mm है, ठीक है, मैं इसको 50 mm के आसपास रख रहा हूँ टाइट फिट। उसके बाद मैं यहाँ पे रिलीव कर दूंगा और यहाँ पे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये जब आप इंसर्ट में डालोगे ना, तो इतना एरिया फिट रहेगा, बाकी लूज रहेगा, क्योंकि अगर इतना चीजें आप इंसर्ट के अंदर डालोगे तो जब बनेगा तो फिट रहेगा, तो दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो इसी के चक्कर में मुझे 50 mm जो है यहाँ पे टाइट फिट रहेगा, बाकी यहाँ पे लूज रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से कूलिंग वगैरह भी करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि जो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाओगे तो दोनों चीजें आपको सोचना है, दोनों चीजें आपको समझ में बनाना है। तो यहाँ पे भी मैं 50 mm का यूज करूंगा, उसके बाद जितना भी चीजें होगा हम इसको हटा देंगे, ठीक है, आएंगे। और यहाँ के बाद भी हम इसको चैम्फर का यूज करेंगे, एंट्री चैम्फर है, वो डालना जरूरी है। और आपको लगता है कि जो अगर केवीटी है, अगर आपको लगता है कि केवीटी जो है आपको बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप केवीटी के साइज कम भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से केवीटी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जहाँ पे मेटल खत्म हो रहा है अप्रोक्सीमेटली आपको 40 mm सफिशियंट है, 40-45 mm रखते हैं, क्योंकि केवीटी आपका कर्व है, तो हम जो है 40-45 mm रखेंगे, 35 mm सफिशियंट होता है, लेकिन 40 mm क्यों रखेंगे हम, क्योंकि मेरा केवीटी कर्व में है, समझ में आ गया ना। तो हम इसको अगर ऊपर ऊपर ले लेंगे, लेट से मैं 50 mm ले लेता हूँ तो कितना आ जाता है, सफिशियंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 mm का गैप है, तो ये आपका सफिशियंट है केवीटी के लिए। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमने इसकी
बोर बनाया, केवीटी बनाया, कोर इंसर्ट बनाया, केवीटी इंसर्ट बनाया, यहाँ पे रिलीफ रखना है। और आपको एक चीज और करना है, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, इस एरिया में भी आपको रिलीफ रखना है, इस एरिया में भी यहाँ पे जो रेडियस है, जैसे हमने इसके रिलीफ रखा, इस वाले रिलीफ को जो रेडियस है ना, यहाँ पे भी हम रिलीफ रखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। मैंने कोशिश करा कि सारा चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि एक ही चीज़ें मैं कोशिश करा कि आपको समझा पाऊँ, कोई दिक्कत है तो बात कर पाए, तो मैंने टाइम दिया सही से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसके सेकंड पार्ट में भी आपको बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए सेकंड पार्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह लेना है, नीचे नंबर मेंशन है, इसी तरीके से एडवांस क्लासेस वगैरह में मैं करता रहता हूँ ट्रेनिंग वगैरह, ये तो मीडियम लेवल का है, उससे भी एडवांस करवाता हूँ, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग टाइप का है, अगर आपके 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस है आपके लिए भी मेरे पास कोर्स है, तो उसी हिसाब से आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारा ऑटोमोबाइल भी कॉन्सेप्ट है, बम्पर है, कंसोल है, डैशबोर्ड है, ये सारी चीज़ें आप मैं ऑलरेडी यूट्यूब में मूल के साथ देखा है। अगर जिन्हें नहीं देखा है ना, तो मेरा जाके प्लेलिस्ट वगैरह देख ले, क्योंकि उसमें मैं ये भी मूल बना रखा हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है आप आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सारा चीज़ें कराऊंगा, लाइब्रेरी भी साथ में लूंगा आपको स्टैंडर्ड पार्ट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।